Hello everyone. So today we are going to start with a very very important chapter. In fact, I will say the most important chapter in your CA final curriculum, that is the professional ethics, right? So professional ethics and liability of auditor. ये particular नाम है इस chapter का आपके study module में. लेकिन हमने professional ethics and liabilities of auditor को अलग अलग रखा है. क्योंकि liabilities of auditor एक छोटा सा हिस्सा है. liabilities of auditor एक छोटा सा हिस्सा है तो हमने उस चैप्टर को अलग कर दिया है. प्रोफेशनल एथिक्स हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोर चैप्टर है, तो हमने उसको अलग कर दिया. अब देखना, अगर प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें ना, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सीए फाइनल एग्जामिनेशन. आप ये समझ सकते हो कि भैया इस चैप्टर में अगर तुमने मास्टरी नहीं करी ना, तो तुम ऑडिट में पास नहीं हो सकते, तुम ऑडिट में एग्जम्पशन नहीं ला सकते. अगर तुमको ऑडिट में एग्जम्पशन लाना है, 60-70 लाना है, सो इन दैट सिचुएशन प्रोफेशनल एथिक्स में तुमको मास्टरी करना ही होगा. इस पार्टिकुलर चैप्टर का जो वेटेज रहने वाला है, दैट इज अराउंड 15 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. तो 15 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है. बट अगेन, इस पार्टिकुलर चैप्टर में आप मास्टरी कर लोगे ना, तो इस 15 में से 15 आप ला सकते हो. 15 में से 15 नहीं तो कम से कम 12 या 13 नंबर आप ला सकते हो. एंड ये 12-13 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत क्रुशियल होने वाला है. इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, तो हम लोग अपना जी जान लगा देंगे टू एंश्योर कि आप लोग एग्जाम में ना बिल्कुल 15 में से 15 लेकर आओ, या 15 में से 12 या 13 मार्क्स कम से कम लेकर आओ, सो दैट ओवरऑल आपका ऑडिट में जो स्कोरिंग पैटर्न रहे वो अच्छा रहे. बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स. अगर अपन बाकी चैप्टर से कंपेयर करें ना ऑडिट के, तो ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर में से आता है. बहुत इंटरेस्टिंग भी है एंड बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है. अब देखो सर, प्रोफेशनल एथिक्स ये पार्टिकुलर चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसका अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि आप बताना मुझे सीए फाइनल के अंदर हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है. व्हाट इज द नेम? सो द नेम इज एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स. द नेम इज एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, राइट? तो प्रोफेशनल एथिक्स तो हमारे नाम के साथ जुड़ा है, हमारे सब्जेक्ट के नाम के साथ जुड़ा है. अगर इंटर के ऑडिट के नाम की बात करें, तो सब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑडिटिंग एंड एथिक्स. वहां भी एथिक्स वर्ड साथ में जुड़ा है. एंड फाइनल में अगर बात करें सर, तो प्रोफेशनल एथिक्स वर्ड सब्जेक्ट के नाम के साथ जुड़ा हुआ है. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, कि ये हमारे प्रोफेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है. प्रोफेशनल एथिक्स इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर प्रोफेशन. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो कि हम लोग जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाएंगे, तो व्हेन वी आर गोइंग टू बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. अब आप सब बहुत जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हो, मैंने तो मान लिया कि ऑलरेडी यू हैव ऑल बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो जैसे ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन के आप सोसाइटी में बाहर निकलते हो, एंड आप रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को कि मैं आईसीआई का मेंबर हूं, एंड इन द कैपेसिटी ऑफ बींग ए मेंबर ऑफ आईसीएआई, आप क्या करते हो सर? अपने प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करना स्टार्ट करते हो, चाहे प्रैक्टिस में, या चाहे जॉब में, या चाहे टीचिंग में, किसी भी तरीके से. तो अल्टीमेटली आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? आप आईसीएआई को रिप्रेजेंट कर रहे हो. यू आर रिप्रेजेंटिंग योर मदर इंस्टीट्यूट, दैट इज द आईसीएआई, राइट? तो दैट इज वाई उस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम क्या करें सर, इस प्रोफेशन का जो डिग्निटी है ना, उसको सोसाइटी में मेंटेन करके चले. प्रोफेशन की जो इज्जत है ना, उसको सोसाइटी में मेंटेन करके चले. प्रोफेशन का जो रेप्यूटेशन है, जो इज्जत है, उसको सोसाइटी में मेंटेन करके चले. एंड सो दैट इज वाई टू एंश्योर कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या कर रहे हैं सर, सीए बनने के बाद प्रोफेशन की डिग्निटी जो है वो सोसाइटी में मेंटेन करके चलें, इस पार्टिकुलर चैप्टर को लाया गया है. दैट इज द चैप्टर ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, द चैप्टर ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. देखो, सीए बनने के लिए, रेदर आई विल से अच्छा सीए बनने के लिए तुमको ना दो चीजें चाहिए. पहली चाहिए कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी. यू मस्ट बी कॉम्पिटेंट, यू मस्ट बी कैपेबल, यू मस्ट बी हैविंग ए लॉट ऑफ नॉलेज, राइट? और दूसरी चीज चाहिए दैट यू नो यू शुड बी ए पर्सन विद गुड एथिक्स. तो पहला आपको चाहिए काबिलियत, आप काबिल होने चाहिए. और दूसरा आपको इंसानियत भी चाहिए, यू मस्ट हैव ह्यूमैनिटी एज वेल. तुम्हारे पास वो ह्यूमैनिटी वाले ग्राउंड्स भी होने चाहिए. यू मस्ट नो कि मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं अपने प्रोफेशन को सोसाइटी के सामने. आपको पता होना चाहिए कि मेरा कंडक्ट क्या होना चाहिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के सामने. सो दैट इज वाई दिस पार्टिकुलर चैप्टर हैज इट्स इंपॉर्टेंस. ठीक है ना, प्रोफेशनल एथिक्स. तो इसको ऑब्जेक्टिव क्या है सर इस पार्टिकुलर चैप्टर का? टू मेंटेन डिग्निटी ऑफ आर प्रोफेशन इन द सोसाइटी, कि जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद सोसाइटी में स्टेप अप करूंगा, एंड अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा, यू नो, इन द कैपेसिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड अलग अलग प्रकार के एश्योरेंस एंड नॉन एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा. या फिर मैं कहीं नौकरी कर रहा हूं, तो वहां पे यू नो मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ, यू नो अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ में कुछ काम करूंगा.
सो इन ऑल दो सिचुएशन वी आर रिप्रेजेंटिंग आर मदर इंस्टीट्यूट, वी आर रिप्रेजेंटिंग द आईसीएआई. हम काम ईमानदारी से करेंगे, हम काम अच्छे से करेंगे तो शाबाशी आईसीआई को मिलेगा कि भाई आईसीआई तुम्हारे जो मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. लेकिन अगर हम काम लापरवाही से करेंगे, अगर हम यू नो हॉनेस्टी नहीं दिखाएंगे, इंटेग्रिटी नहीं दिखाएंगे अपने अप्रोच में, तो वहां पे जो बदनामी होगी वो भी आईसीआई की होगी कि आईसीआई क्या नहीं कर रहा सर, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके नहीं चल रहा, अपने डिग्निटी को मेंटेन करके नहीं चल रहा. एंड वो जिम्मेदारी किसके ऊपर है कि वी मेंटेन दैट डिग्निटी ऑफ आईसीआई, वी मेंटेन दैट रेपुटेशन ऑफ आईसीआई, दैट डिपेंड्स अपॉन अस. सो दैट इज वाई आईसीआई अपने को काबिल तो बनाता ही है, आईसीआई अपने को काबिल तो बनाता ही, अपने को बहुत सारा नॉलेज तो इम्पार्ट करता ही है. और उसके साथ साथ आईसीआई का एक और ऑब्जेक्टिव है कि अपने को एथिकल बिहेवियर भी सिखाया जाए कि भाई अपना एथिकल बिहेवियर कैसा होना चाहिए व्हेन वी स्टेप आउट इन द सोसाइटी, हाउ वी शुड बिहेव, व्हाट शुड बी आर मॉरल कंडक्ट, व्हाट शुड बी आर बिहेवियर व्हेन वी वर्क फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन, तब हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, जब हम किसी क्लाइंट के साथ डीलिंग कर रहे हैं तब हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, या इवन अपने पर्सनल लाइफ के अंदर भी जब हम कुछ भी डीलिंग कर रहे हैं तब हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए. तो आईसीआई हर पार्टिकुलर सिनेरियो में हमें एजुकेट करना चाहता है कि देखो तुम किसी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर गोइंग एंड वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, हाउ योर कंडक्ट शुड बी, यू आर वर्किंग फॉर ए क्लाइंट, यू आर कैरिंग आउट ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज फॉर ए क्लाइंट, देन हाउ योर कंडक्ट शुड बी. या फिर अगर आप अपने पर्सनल लाइफ के अंदर भी कुछ डीलिंग्स कर रहे हो तब भी आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आईसीआई आपको हर चीज के बारे में बताता है. यानी प्रोफेशन के वक्त प्रोफेशनल ड्यूटीज एक्सरसाइज करते हुए हमारा कंडक्ट कैसा हो ये भी आईसीआई हमें बताता है, एंड पर्सनल लाइफ के अंदर हमारा कंडक्ट कैसा हो वो भी आईसीआई हमें बताता है. क्या बात कर रहे हो सर, पर्सनल लाइफ के अंदर हमारा कंडक्ट कैसे हो वो भी आईसीआई हमें बताता है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमारा कंडक्ट कैसा हो वो आईसीआई हमें बताता है, ये बात तो अपने को समझ आ रही है. लेकिन सर पर्सनल लाइफ में हमारा कंडक्ट कैसा हो उसके बारे में भी आईसीआई को क्या राइट है हमें बताने का. अगर सर मैं डिस्को जा रहा हूं तो भाई वो तो मेरी मर्जी है ना, हम डिस्को में जाए तो उसमें आईसीआई क्यों बता रहे हैं हमें, उसमें आईसीआई क्यों रेगुलेट कर रहा है. तो देखो भाई एक चीज तुम सोचना और बताना, मान लो तुम किसी डिस्को में जाते हो, तुम किसी डिस्को में जाते हो, पार्टी वार्टी करते हो एकदम मजे से, यू नो दारू वगैरह पीते हो, चलो ठीक है अच्छी बात है. लेकिन जस्ट इमेजिन कि उसके बाद तुमने बहुत हंगामा करा, बहुत तोड़फोड़ मचा दिया, एंड यू नो सामान वगैरह पटकने लगे, बहुत तोड़फोड़ मचा कर यू नो हंगामा करके तुम बाहर निकल गया. सो इन दैट सिचुएशन क्या न्यूज आएगा, क्या बदनामी होगी, अरे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आया था और वो ऐसे हंगामा करके गया था, यू नो ऐसा हंगामा मचा के गया था. तो बदनामी किसकी होनी है, आईसीआई की होनी है. ठीक है, बदनामी किसकी होनी है, आईसीआई की होनी है. तो तुम अपने क्लाइंट के डीलिंग में कुछ गलत कर रहे हो तब भी बदनामी आईसीआई की होनी है. तुम किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो वहां तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, वहां भी बदनामी आईसीआई की होनी है. अपने पर्सनल डीलिंग में भी तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुमने डोमेस्टिक वायलेंस करा राइट, तुमने किडनैपिंग वगैरह का कुछ काम करा, तुमने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का कुछ काम करा, तुमने कुछ भी ऐसा करा कि भाई अल्टीमेटली बदनामी किसकी हो रही है, आईसीआई की हो रही है वहां पे. तो आईसीआई इसलिए हमें एजुकेट करना चाहता है कि बेटा जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद सिर्फ जो तुम्हें नॉलेज मिलेगा वो सफिशियंट नहीं है टू कैरी आउट द डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन, टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट नॉलेज यू मस्ट ऑल्सो हैव सर्टेन एथिकल बिहेवियर कि जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूंगा, जब मैं क्लाइंट के साथ डीलिंग करूंगा, या मेरा जो पर्सनल डीलिंग भी होगा मेरे लाइफ में, तो वहां मेरा एथिकल बिहेवियर कैसा होना चाहिए. सो दैट इज वाई आपके लिए क्या करता है सर आईसीआई, मॉरल प्रिंसिपल्स लेकर आता है. कंडक्ट कैसा होना चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सोसाइटी में वो आपको बताता है. एंड ये सारी चीज आपको इस पार्टिकुलर चैप्टर में बताई गई है. इस पार्टिकुलर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है और अपन क्या क्या चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वेरी चैप्टर इज गोइंग टू बी टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन इन सोसाइटी. एंड कौन कौन से एरियाज अपन इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, तो एक तो अपन पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ एथिक्स, एथिक्स होता क्या है, कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स अपने को कंप्लाई करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम कंप्लाई नहीं कर पाए उस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें रोकने वाले हैं टू कंप्लाई दोस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, जो एक पूरा का पूरा सीए एक्ट बनाया गया है हमारे लिए, लिस्ट ऑफ रेगुलेशंस जो आईसीआई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए लेके आता है, एंड लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस जो आईसीएआई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए लेके आता है. तो वी आर गोइंग टू स्टडी द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, वी आर गोइंग टू स्टडी द रेगुलेशंस, वी आर गोइंग टू स्टडी द गाइडलाइंस, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी द शेड्यूल्स टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट. तो दो शेड्यूल्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर जो सीए के लिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आईसीआई लेकर आया है.
कि बॉस आपको दो शेड्यूल्स फॉलो करने होंगे, शेड्यूल्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट है आपको वो माननी होंगी। तो एक तो ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, दिस इज द टॉपिक दैट वी आर रिक्वायर्ड टू स्टडी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की रिक्वायरमेंट, रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट, गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट, काफी सारे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के क्लैरिफिकेशंस, ये सारी बातें अपने को पढ़नी होंगी। एंड शेड्यूल्स टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, ये सारी बातें भी अपने को पढ़नी होंगी, ठीक है ना। तो नॉर्मली शेड्यूल्स टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में हर टीचर सबसे ज्यादा फोकस करता है क्योंकि एग्जाम में भी मोस्टली शेड्यूल से आता है। बट अब आईसीआई का ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है, अब आईसीआई क्वेश्चंस वहां से पूछता है जहां से आप सबसे कम उम्मीद लगाते हो। सो दैट इज वाई जो ओवरव्यू ऑफ एथिक्स का पार्ट है या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का पार्ट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट गाइडलाइंस का पार्ट है, वो भी अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो भी अपने लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट रहने वाला है, क्लियर है। एंड ये तीन चीजें हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखना, बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर, तीन चीजों का मतलब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, द मीनिंग ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स। वन इज एथिक्स, एथिक्स क्या होता है। सेकंड इज मिसकंडक्ट, कि मिसकंडक्ट क्या होता है। एंड तीसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स क्या होते हैं। तो ये तीन बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द चैप्टर, कि एथिक्स क्या होता है, मिसकंडक्ट क्या होता है, एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है हमारा ये, और मैंने इसके नोट्स ऑलरेडी आपके लिए जॉट डाउन करके रखे हुए हैं बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में। आप मेरे साथ समझेंगे, आप मुझे सुनेंगे, मेरे साथ रिपीट करेंगे, और साथ साथ जो नोट्स मैंने बना रखे हैं आपके लिए, आप उसको क्या करेंगे सर, लिखेंगे। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास में। ऑल्दो सारी बातें बुक में लिखी होगी, बट ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको कंडेंस्ड फॉर्म में अपन लिखेंगे भी, क्योंकि आप जब लिखोगे तो क्या होगा कि वो वो सारी चीज आपके ब्रेन में धीरे धीरे जाना स्टार्ट होंगी। एंड साथ ही साथ क्या होगा कि अल्टीमेटली जो बातें किताबों में लिखी है उसमें आपको पढ़ने में ज्यादा समय लगता है, और जो बातें आपने खुद हाथ से अपने नोट्स में लिख लिए हैं उसको पढ़ने में आपको कम समय लगता है, क्लियर है। तो थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज मिसकंडक्ट, एंड व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। तो देखिए जी, एथिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय एथिक्स। तो भाई एथिक्स का मतलब क्या होता है सर, मॉरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग ए पर्सन्स बिहेवियर, कि भाई क्या सही है क्या गलत है, What is right and what is wrong? तो आपको बचपन से ना मॉरल साइंस पढ़ाया जाता है टू टीच यू what is right and what is wrong. बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो हमारे जजमेंट के ऊपर भी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे जजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कैसे अप्लाई करें कि what is right and what is wrong. तो सेम वे इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर क्या सही है क्या गलत है, क्या मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, आपका कैसा कंडक्ट होना चाहिए, आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ये सारी बातें हमें बताई जाएंगी। दैट इज व्हाट वी कॉल एज एथिक्स, दैट इज मॉरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग ए पर्सन बिहेवियर और कंडक्ट ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। और हमें क्या बताया जाएगा यहां पे कि भाई व्हाट इज द बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस द प्रोफेशनल्स। डू रिमेंबर, वी आर द बिगेस्ट प्रोफेशनल्स, वी आर द बेस्ट प्रोफेशनल्स फॉर कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर अगर किसी का रुतबा सबसे ज्यादा है, अगर किसी का इज्जत सबसे ज्यादा है, तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है। And so that is why there is a certain behavior that is expected from us, the professionals. We have to abide by certain personal standards. We have to abide by certain organizational standards. And we also have to abide by certain corporate standards. So there is a certain behavior that is expected from us, the professionals. We have to abide by, मेरे साथ साथ repeat करोगे, अगर तुम मेरे साथ repeat नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। तो भले ही आप क्लास वर्चुअली देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, बट आपको क्या करना है सर, मेरे साथ रिपीट करना है, मुझे आपकी गुंज मैं इमेजिन कर पाऊंगा कि आई विल बी एबल टू इमेजिन दैट गुंज, आपका जो लाउडनेस है मुझे इमेजिन करना है। तो देयर इज अ सर्टेन बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस द प्रोफेशनल्स। पहला, वी शुड अबाइड बाय सर्टेन, बोलो बोलो बोलो, पर्सनल स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल सही। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स। तीसरा, सुनाई नहीं दे रहा सर, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स। यस, तो देर इज अ सर्टन बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम वी द प्रोफेशनल्स, वी हैव टू अबाइड बाय सर्टन पर्सनल स्टैंडर्ड्स, वी हैव टू अबाइड बाय सर्टन ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स, एंड वी ऑल्सो हैव टू अबाइड बाय सर्टन कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। इनफैक्ट अगर आपने सुना होगा आईसीआई का मोटो, अगर आप आईसीआई के कुछ भी सेमिनार्स वगैरह में गए हैं, प्रोग्राम्स वगैरह में गए हैं, तो सबसे पहले ना आईसीआई का मोटो सुनाया जाता है वहां पे। सबसे पहले आईसीआई का मोटो प्ले होता है, बहुत ही प्यारा मोटो है, बहुत ही सुंदर मोटो है, दैट इज या इशा सुप्तेशु जागृति, राइट। तो बहुत ही प्यारा मोटो है, या इशा सुप्तेशु जागृति, मतलब बहुत प्यारा है। आप जस्ट फील करो इस मोटो को, आंख बंद करो, जस्ट फील करो इस मोटो को, जस्ट फील द ब्यूटी ऑफ दिस मोटो।
या ईशा सुप्तेषु जागृति। फील करें मोटो को, आंखें बंद करें, फील करें मोटो को, क्योंकि बहुत सुंदर मोटो है, बहुत प्यारा मोटो है। तो अल्टीमेटली हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं, आईसीए के मेंबर्स बनने वाले हैं, तो जो अपना मोटो है वो तो अपने को याद रहना चाहिए यार। ये अपना एक तरीके से मंत्र है, अपना सिद्धांत है, अपना प्रिंसिपल है, अपना बेस है। दैट इज या ईशा सुप्तेषु जागृति, या ईशा सुप्तेषु जागृति, या ईशा सुप्तेषु जागृति। इसका क्या मतलब है? बहुत प्यारे शब्द हैं। इट मीन्स एक्सटर्नल विजिलेंस, दैट इज अवेकनिंग व्हेन द होल वर्ल्ड इज स्लिप। कि भाई अल्टीमेटली हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो सिग्निफिकेंस इकोनॉमी में इतना ज्यादा है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वी आर द इकोनॉमी, वी आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, वी आर द इकोनॉमी। कि हम इकोनॉमी है देश का, एंड क्योंकि हम इकोनॉमी है देश का तो हमारी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा है दैट जब पूरी दुनिया सो भी रही है ना तो हमें जागना है, हमें सही रास्ते में जाना है, हमें सही मार्ग चुनना है, हमें सही पाथ चुनना है, हमें रास्ता नहीं भटकना है। वी हैव टू फॉलो द राइट पाथ, वी हैव टू वर्क एथिकली, हमें ईमानदारी से काम करना है। तो बहुत ही प्यारा मोटो ऐसे आएगा, या ईशा सुप्तेशु जागृति, दैट मीन्स एक्सटर्नल विजिलेंस दैट इज अवेकनिंग व्हेन द होल वर्ल्ड इज स्लीप। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स। अगर आपसे पूछा जाए सर प्रोफेशनल एथिक्स, तो एथिक्स का मतलब क्या है? तो मॉरल प्रिंसिपल्स जो गवर्न करते हैं पर्सन का बिहेवियर या कंडक्ट ऑफ एन एक्टिविटी। कभी कभी हम लोग एक एथिकल डिलेमा में होते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ में नहीं आ रहा, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। वो गाना सुना होगा ना आपने, क्या करूं मैं क्या करूं ये कैसी मुश्किल है। तो सिमिलरली अपने प्रोफेशनल कोर्स में भी ना कभी कभी अपन इस डिलीमा में फंस जाते हैं, वी आर कॉट इन दैट एथिकल डिलीमा, क्या करूं मैं क्या करूं ये कैसी मुश्किल है। तो उस डिलीमा से बाहर निकालता है हमें हमारा प्रोफेशनल एथिक्स, राइट? तो बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोफेशनल्स, यू नो वी हैव टू अबाइड बाय सर्टेन पर्सनल स्टैंडर्ड, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड, सर्टेन कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड, एंड देन वी हैव आर मोटो। अब देखिएगा सर अगला शब्द है मिसकंडक्ट। कि मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मिसकंडक्ट? तो मिसकंडक्ट का मतलब होता है सर, अब देखो प्रैक्टिकली आईसीआई ने बोला कि देखो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम लोग देश के इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी हो, तुम लोग ही देश के इकोनॉमी हो, तुम लोग को प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रह के काम करना है, तुम लोग को अच्छे से काम करना है, तुम लोग को नॉलेज एक्सरसाइज करना है, हमने जो भी गाइडलाइंस दिए हैं तुमको उनको फॉलो करना है, तुमको एथिकली काम करना है। आईसीआई ने तुमको सब कुछ बता दिया, आईसीआई ने सब कुछ बता दिया तुमको, दिस इज ऑल यू हैव टू डू। बट अगर हमने आईसीआई की बोली हुई चीजें नहीं करी तो इसका मतलब है हमने मिसकंडक्ट करा। अगर हमने आईसीआई की बोली हुई चीजें नहीं करी तो इसका मतलब है कि सर हमने मिसकंडक्ट करा। अब अगर मिसकंडक्ट हमने प्रोफेशन के वक्त करा, प्रोफेशनल ड्यूटीज डिस्चार्ज करते वक्त करा, राइट, इन द कैपेसिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट करा, अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते वक्त करा, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और अगर वो पार्टिकुलर मिसकंडक्ट हमने अपने पर्सनल लाइफ में करा तो उसको बोलते हैं अदर मिसकंडक्ट, ठीक है? तो मिसकंडक्ट का क्या मतलब होता है? मिसकंडक्ट का मतलब होता है कि हम लोग लापरवाही से काम कर रहे हैं, हम लोग ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम लोग लापरवाही से काम कर रहे हैं, हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आईसीआई का रेप्यूटेशन हार्म हो रहा है, आईसीआई की इज्जत खराब हो रही है। और आईसीआई का इज्जत किसकी जिम्मेदारी है भाई? हमारी जिम्मेदारी है, राइट? आईसीआई का इज्जत किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। अगर अपने घर की इज्जत हमारी जिम्मेदारी है ना, तो आईसीआई भी हमारा मदर इंस्टीट्यूट है, तो आईसीआई का इज्जत भी हमारे ऊपर है, आईसीआई का इज्जत भी हमारा जिम्मेदारी है। तो अगर अपन ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर अपन नेग्लिजेंट रहेंगे, अगर अपन इंस्टीट्यूट को बदनाम करने वाला कुछ भी हरकत करेंगे, उसको बोलते हैं मिसकंडक्ट। और ये जो मिसकंडक्ट है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एक हो सकता है अदर मिसकंडक्ट। तो देखो जब अपन प्रोफेशनल ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हैं ना, जब अपन प्रोफेशनल ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हैं ना, तो वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज। कि भाई जब भी अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज को अपन डिस्चार्ज करेंगे, वेदर हमने सीओपी ले रखा है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले रखा है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, या फिर हम जॉब में हैं, हम किसी क्लाइंट के वहां जॉब में काम कर रहे हैं, किसी सीए फर्म में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, खुद की प्रैक्टिस चला रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो जब भी आप अपना प्रोफेशनल ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहे हैं तो
तो अपने को हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, अपने को एथिकल रहना है, अपने को ईमानदारी से काम करना है, अपने को इंडिपेंडेंटली काम करना है, अपने को एक शुद्ध भावना से निष्ठा के साथ काम करना है, अपने को कहीं भी नेग्लिजेंस एक्सरसाइज नहीं करना है, अपने को ड्यू केयर एक्सरसाइज करना है, अपने को केयरफुली काम करना है, जो भी नॉलेज अपन ने एक्वायर किया है उसको बेस्ट मैनर में यूज करना है। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं उसको उसको बोलते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हमने क्या करा सर? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करा। और सिमिलरली जब हम अपने पर्सनल ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारे पर्सनल ड्यूटीज भी हैं, हम किसी के पति हैं, या आप किसी के हस्बैंड हो, या आप किसी के ब्रदर हो, आप किसी के सिस्टर हो, तो भले ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो बट आपके मल्टीपल रिलेशन है, आपके पर्सनल ड्यूटीज भी हैं, घर चलाना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कोई पर्सनल रिलेशन है, आपके दोस्त यार हैं, आपके घर वाले हैं, तो उनके साथ भी आपका जो कंडक्ट रहेगा ना, वहां भी आपको हायर स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफेशन के अंदर आपको हायर स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, आपके जो दोस्त यार हैं, आपके जो घर वाले हैं, उनके साथ जो कंडक्ट रहेगा वहां भी आपको हाईएस्ट कंडक्ट फॉलो करना है। ऐसा क्यों? जस्ट इमेजिन कि मार्केट में एक न्यूज आती है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने भाई को दिया धोखा, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने भाई को धोखा देकर उसकी सारी प्रॉपर्टीज हथिया ली, उससे फर्जी साइन करवा लिए, फर्जी कागज बनवा लिए, तो एक चीज बताओ, क्या वो मेरे प्रोफेशनल ड्यूटीज के अंदर आता है? नहीं आता। लेकिन अगर ऐसी खबर आती है मार्केट में कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या करा सर, भाई से फर्जी पेपर साइन करवा के सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम पे हथिया ली, तो अल्टीमेटली वो मेरा पर्सनल कंटेक्ट था विद माय ब्रदर, लेकिन वो जो पर्सनल कंटेक्ट मैंने नहीं निभाया ठीक से, उसमें बदनामी किसकी होगी? आईसीएआई की होगी। मैंने डोमेस्टिक वायलेंस करा, बदनामी किसकी होगी? आईसीएआई की होगी। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज करी, बदनामी किसकी होगी? आईसीआई की होगी। मैंने ड्रग स्मगलिंग वगैरह करा, बदनामी किसकी होगी? आईसीआई की होगी। बिकॉज वी रिप्रेजेंट आर मदर इंस्टीट्यूट, वी रिप्रेजेंट द आईसीएआई। एंड सो डू रिमेंबर, ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इज नॉट ओनली, अब ये देखो ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इसको दिमाग में घोट के पी लो, बिकॉज आगे चल के यही वर्ड्स आपके काम आने वाले हैं इन ड्राफ्टिंग द आंसर्स ऑल्सो व्हेन वी स्टडी द शेड्यूल्स। सो ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट is expected to exercise the highest standards of conduct in the discharge of his professional duties. ये बात तो सही है, but a chartered accountant, a member of the institute, is also expected to maintain the highest standards of conduct even in the discharge of his personal duties. तो जब अपन professional duties discharge करेंगे, अपने को highest standards of conduct तो follow करना ही करना है, लेकिन जब अपन personal duties discharge करेंगे ना, वहां भी अपने को highest standards of conduct follow करना है। एंड अगर हम इस कंडक्ट को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा बताओ भाई? अगर आईसीआई ऐसा करे कि प्यार से समझाए, देखो भाई तुमको ये चीज फॉलो करनी है, कंडक्ट फॉलो करना है, और फॉलो नहीं करता, तो आईसीआई फिर प्यार से समझाएगा फोन करके, अरे कंडक्ट फॉलो क्यों नहीं करा, प्लीज नेक्स्ट टाइम कर लेना, प्लीज नेक्स्ट टाइम कर लेना, नेक्स्ट टाइम फिर से तुमने कंडक्ट फॉलो नहीं करा, फिर आईसीआई ने तुम्हें कॉल लगाया, प्लीज बेटा नेक्स्ट टाइम कर लेना, प्लीज बेटा नेक्स्ट टाइम कंडक्ट फॉलो कर लेना, तो तुमको लगता है तुम कभी भी उस कंडक्ट को फॉलो करोगे? तो तुमको लगता है कि कभी भी तुम उस एथिक्स को अवॉइड करोगे? नहीं, राइट? नहीं। लेकिन अगर कोई एक डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म होगा कि ऐसा ही तुमको पनिश कर रहा है अगर आप मिसकंडक्ट कर रहे हो, तब आप डर से क्या करोगे सर? उस पार्टिकुलर कंडक्ट को फॉलो करोगे। सो दैट इज वाई ना डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म बनाया गया है। आईसीआई ने एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म बनाया है कि अगर आप मिसकंडक्ट करते हो, चाहे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हो, चाहे अदर मिसकंडक्ट करते हो, तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, आपको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, या मे बी आपकी डिग्री छीन ली जाएगी, एंड आपके ऊपर सर्टन मॉनिटरी फाइन लगाया जाएगा, आपके ऊपर सर्टन मॉनिटरी पेनल्टी लगाई जाएगी। सो दैट इज वाई क्या होता है सर, कि एनी डिविएशन फ्रॉम दोज वुड एक्सपोज हिम टू डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है जी, एनी डिविएशन फ्रॉम दोज वुड एक्सपोज हिम टू डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ये जो अदर मिसकंडक्ट, ये जो मिसकंडक्ट के प्रकार है ना, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट, ये आप देखोगे कि सेक्शन 22 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में इसकी बात की गई है। कहां की गई है? सेक्शन 22 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में इसकी बात की गई है। और ये जो डिसिप्लिनरी एक्शन वाला पार्ट है ना, कि अगर आप मिसकंडक्ट दिखाओगे, अगर आप मिसकंडक्ट करोगे, तो डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट होगा आपके खिलाफ। तो आप देखोगे कि सेक्शन 21 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करने की बात की गई है। ठीक है जी। अब तीसरी चीज, आपको मैंने बताया था कि सर तीन बातें डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
तो पहली बात क्या था, एथिक्स क्या है, दूसरी चीज क्या थी, मिसकंडक्ट क्या है, और तीसरी चीज क्या है सर, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स क्या है। मतलब एक तरीके से पॉइंट वन का ही कंटिन्यूएशन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आपने करा है ना, यू हैव स्टडीड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, इंटर में भी किया है, फाइनल में दोबारा से करोगे। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर इफ यू हैव ऐसे 200, दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। एंड आपको याद होगा सर, ऐसे 200 के पांच रिक्वायरमेंट्स थे, आपको याद है ऐसे 200 के पांच रिक्वायरमेंट्स थे, एग्जैक्टली यही पांच रिक्वायरमेंट्स यहां पे आएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। इफ यू रिमेंबर, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो पांच रिक्वायरमेंट्स ऐसे 200 का था, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, पांच रिक्वायरमेंट्स ऐसे 200 का था, उसमें एक था एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये पांच चीजें आती थी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। सेम चीज यहां पे है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स क्या है, पांच है, पांच सिद्धांत है एथिक्स के, पांच सिद्धांत है कोड ऑफ एथिक्स के। अब आप क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, बहुत जल्द चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, वो तारीख सामने आ गया है, वो तारीख मुझे दिखाई दे रही है कि आप जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, आप अपने एग्जाम्स क्लियर करने वाले हो, आप देश की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले हो, तो आप कसम खा लें कि आप ये पांच सिद्धांत फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि दिस आर द फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। इंटेग्रिटी, देन वी हैव ऑब्जेक्टिविटी, देन वी हैव प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, देन वी हैव कॉन्फिडेंशियलिटी एंड देन वी हैव प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है जी, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका भी है, ओ आईपीसीसी। कैसे याद रखोगे, ओ आईपीसीसी। व्हाट इज ओ आईपीसीसी? तो ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी, आई स्टैंड्स फॉर इंटेग्रिटी, पी स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर, सी स्टैंड्स फॉर केयर, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, दैट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। तो पांच फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स क्या है सर कोड ऑफ एथिक्स के, ओ आईपीसीसी। क्या रिक्वायरमेंट है सर, ओ आईपीसीसी, दैट इज ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी, आई फॉर इंटेग्रिटी, पी से प्रोफेशनल बिहेवियर, पी से प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, सी सी से कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, दैट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, एंड सी फॉर वी हैव कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, अब ये पांच प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, ये पांच सिद्धांत क्या कहते हैं, इनके कीवर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कीवर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं जो आपको याद रखना है। मॉड्यूल में आप देखोगे जो अपना बुकलेट है, जो अपना कॉन्सेप्ट बुक है, उसमें पूरा इलाबोरेटेड है और बिल्कुल आईसीएस स्टडी मैट के हिसाब से अपना पूरा मॉड्यूल डिजाइन है। ठीक है, कलरफुल है, अट्रैक्टिव है, बिल्कुल आईसीएस स्टडी मैट के हिसाब से डिजाइन है, लेकिन कीवर्ड्स अपने को याद रखना होता है यार, कि अगर कीवर्ड्स अपने को याद है ना, तो अपन अपने वर्ड्स भी जोड़कर क्या कर सकते हैं सर, एग्जाम्स में आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं, कीवर्ड्स अपने को याद रखना होता है। तो यहां पे कोशिश यही है यार कि वो कीवर्ड्स अपन याद रख लें। तो सर सबसे पहले इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इंटेग्रिटी? अब इंटेग्रिटी का मतलब होता है सर ईमानदारी, इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है सर ईमानदारी, वी मीन बाय इंटेग्रिटी इज ईमानदारी। ठीक है, तो जैसे मिस्टर अरविंद केजरीवाल कहते हैं, हम ईमानदार हैं जी, वी आर हॉनेस्ट पीपल, हम बहुत ईमानदारी से अपनी राजनीति चलाते हैं, हमारी नियत में कोई खोट नहीं है। तो खैर वो तो देखना पड़ेगा नियत में खोट है कि नहीं है, वो अलग चीज है, बट इंटेग्रिटी का मतलब होता है हॉनेस्टी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कसम खाना होगा दैट हम लोग इंटेग्रिटी के साथ काम करेंगे, हम लोग हॉनेस्टी के साथ काम करेंगे, हम लोग बिल्कुल भी घुसखोरी नहीं करेंगे, हम लोग कहीं से पैसे नहीं खाएंगे, पैसे खाकर अपन कहीं फॉल्स रिपोर्ट वगैरह जारी नहीं करेंगे, अपन मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स वगैरह जारी नहीं करेंगे, अपन क्लाइंट के फॉर्ज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपन क्लाइंट के फॉर्ज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को झूठ मूठ को ऑडिट करके अनमॉडिफाइड ओपिनियन इश्यू नहीं करेंगे, हम लोग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, हॉनेस्ट होंगे, अपन कोई फॉल्स रिटर्न्स वगैरह जारी नहीं करेंगे, कोई फॉल्स स्टेटमेंट वगैरह नहीं देंगे, और क्लाइंट के फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिल्कुल अपन क्या नहीं करेंगे सर, सर्टिफाई नहीं करेंगे। तो हम इंटीग्रिटी की कसम खाते हैं, हम इंटेग्रिटी की कसम खाते हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं, हॉनेस्ट रहने वाले हैं, एंड विच वी विल नॉट बी एसोसिएटेड विद, डोंट बी एसोसिएटेड विद, मैंने यहां ब्लैंक रखा हुआ है, डोंट बी एसोसिएटेड विद क्या, एनी काइंड ऑफ फॉल्स रिटर्न्स, एनी काइंड ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगर क्लाइंट का कोई भी फॉल्स रिटर्न है, झूठा रिटर्न है, फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, हम उससे एसोसिएट नहीं होंगे। राइट,
Don't be associated with any kind of false return. False statement. अगर क्लाइंट ने फॉल्स रिटर्न कहीं फाइल करा है तो हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं भी एसोसिएट नहीं होंगे उस पार्टिकुलर फॉल्स रिटर्न के साथ, उस फॉल्स स्टेटमेंट के साथ। हम बता देंगे, हम जता देंगे कि भैया क्लाइंट ने सब कुछ झूठ झूठ वहां पे डिस्क्लोज करा है। हम मॉडिफाई कर देंगे अपने ओपिनियन को, विल मॉडिफाई और आर ओपिनियन, बट विल नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ फॉल्स रिटर्न, विल नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू नो, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, हम ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे। अगली चीज आती है सर, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है सर? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है दैट इज, यू नो, हम बायस्ड होकर काम नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी के साथ इंडिपेंडेंस वर्ड साथ में जुड़ जाता है। हम बायस्ड नहीं होंगे, हम पक्षपात नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी बायस्ड, हम पक्षपात नहीं करेंगे। अरे ये क्लाइंट मेरे को ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देता है, मैं इस क्लाइंट का ज्यादा अच्छे से ऑडिट करूंगा। अरे उस क्लाइंट में मेरे को हॉस्पिटलिटी नहीं मिलती, उस क्लाइंट का कम अच्छे से ऑडिट करूंगा। अरे अरे इस क्लाइंट में मेरे को ज्यादा फीस मिलती है, मैं यहां ज्यादा अच्छे से ऑडिट करूंगा। उस क्लाइंट में मेरे को फीस कम मिलती है, मैं कम अच्छे से ऑडिट करूंगा। मैं बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होऊंगा, मैं बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करूंगा। एज ए टीचर मेरे लिए ऑब्जेक्टिविटी क्या होगा कि एक बच्चा मुझे बहुत ज्यादा फीस दे रहा है तो ऐसा नहीं कि मैं उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ा रहा हूं, एक बच्चा मुझे कम फीस दे रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको कम अच्छे से पढ़ा रहा हूं, मैं बायस्ड बिल्कुल नहीं होऊंगा। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा मेरा, मैं इंडिपेंडेंस के साथ काम करूंगा, मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। मतलब यार किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं मैं तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। अगर मैं किसी अगर मेरे रिश्तेदार किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मैं काम ही नहीं करूंगा, ठीक है। आई विल बी इंडिपेंडेंट इन माई अप्रोच, मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रखूंगा ही नहीं। अगर मेरे पास एक इंपॉर्टेंट मैनेजेरियल पोजिशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो मैं वो ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। तो देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड थर्डली, मैं किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में काम नहीं करूंगा, मैं किसी के प्रभाव में काम नहीं करूंगा कि सामने वाला मुझे इन्फ्लुएंस कर सकता है। मेरे रिश्तेदार कंपनी में बैठे हैं, मेरे रिश्तेदार कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मेरे रिश्तेदार कंपनी के ऑफिसर्स हैं, हो सकता है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर एक्सरसाइज कर सके, मैं उनके प्रभाव में आ जाऊं, मैं उनके इन्फ्लुएंस में आ जाऊं और उनके इन्फ्लुएंस में गलत रिपोर्ट इश्यू कर दूं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में काम नहीं करूंगा, मैं किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में काम नहीं करूंगा। तो ऑब्जेक्टिविटी की बात करें सर, तो यहां अपन ऑब्जेक्टिविटी में तीन कसमें खाते हैं। पहली कसम सर, मैं बायस्ड नहीं हूंगा जिंदगी में। दूसरी कसम, मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रखूंगा। और तीसरी कसम, मैं किसी के अंडी इन्फ्लुएंस में काम नहीं करूंगा। तो ऑब्जेक्टिविटी के अंदर तीन कसमें, ठीक है जी। उसके बाद आता है C4, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। C4 कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, P4 प्रोफेशनल बिहेवियर। तो पहले प्रोफेशनल बिहेवियर में आ जाते हैं, प्रोफेशनल बिहेवियर। तो भाई अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा बिहेवियर अच्छा होगा, मेरा कंडक्ट अच्छा होगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा कि आईसीआई के रेपुटेशन को हार्म पहुंचे। जस्ट इमेजिन, मैं किसी क्लाइंट के साथ ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं, किसी किसी क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं और वहां गालियां देकर बात कर रहा हूं, सी वाली गालियां दे रहा हूं, एमसी वाली गालियां दे रहा हूं। जस्ट इमेजिन कि सी वाली गालियां दे रहा हूं, एमसी वाली गालियां दे रहा हूं। एक पता चला कि यार मैं चड्डी पहनकर ऑडिट करने चला गया और चड्डी पहनकर ऑडिट करने पहुंच गया वहां पे, और वहां जाकर बैठ के, यू नो, जो मेरा पैर है वो मैंने टेबल्स के ऊपर रख दिया और मैं ऑर्डर दे रहा हूं, आना जरा ये डॉक्यूमेंट लाना जरा, गालियां दे रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं मैं? आई एम नॉट अबाइडिंग द प्रोफेशनल बिहेवियर। आप बोलोगे सर कैसी बातें करते हैं सर, ऐसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा क्या? यही आईसीए कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको प्रोफेशनली बिहेव करना है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आईसीए का रेपुटेशन हार्म हो, ठीक है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना कि जिससे आईसीआई का रेपुटेशन आम हो। आपको लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करने हैं। आपको क्या करना है सर? लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करने हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आईसीआई का रेपुटेशन खराब हो, जिससे आईसीआई का रेपुटेशन हार्म हो, ना ही प्रोफेशनल कंडक्ट में, ना ही पर्सनल कंडक्ट में। एंड तीसरी चीज, आपको हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल रहना है इन ऑल योर रिप्रेजेंटेशन मेड। आप जो भी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो सर, आपको हॉनेस्टी दिखानी है, आपको ट्रूथफुल रहना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सागरेटेड क्लेम्स नहीं करोगे। आप क्या नहीं करने वाले हो? आप एक्सागरेटेड क्लेम्स नहीं करने वाले हो। मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, अपनी वाहवाही लूटना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। कुछ लोग होते हैं ना एकदम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, नमक मिर्ची लगा के, मसाला लगा के, उसको अच्छे से पकाकर। तो आपको वो काम नहीं करना। जो है वो है, जो है सो है।
Don't make exaggerated claims. Don't unnecessarily boost yourself. जबरदस्ती के क्लेम्स ना करें, मैंने फलाने क्लाइंट को ऑडिट करा था, ये करा था, वो करा था, मेरा इतना एक्सपर्टाइज है, मेरा फलाना है, ये है, वो है, उस क्लाइंट को मैंने प्रॉफिट कमवा के दिया है, वो क्लाइंट का मैंने 20 करोड़ का सेविंग्स करवा के दिया है, तो एक्सक्रेडिट क्लेम्स नहीं करना। और दूसरा, एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करना। जो भी काउंसिल के एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस, आप उसको वायलेट मत कीजिए। आप प्रोफेशनल बिहेवियर का ध्यान दीजिए, आप प्रोफेशनली बिहेव कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, काउंसिल के सर्टन एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस हैं टू एंश्योर कि अपन प्रोफेशनल बिहेवियर वाली क्वालिटी को अवॉइड करें, तो आप उन गाइडलाइंस को अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल, काउंसिल का एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन कहता है कि जैसे कि अर्बन क्लैप होता है ना, तो अर्बन क्लैप में आप क्या देखते हो सर, कारपेंटर, प्लम्बर, अलग अलग प्रोफेशनल्स अपने आप को एनरोल करते हैं, एंड वहां से अकॉर्डिंगली रेट्स वगैरह देखकर प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है फॉर देयर सर्विसेज। अब हमारे एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस कहते हैं कि अपने को अपने आप को एनरोल नहीं करना है इन सच काइंड ऑफ एग्रीगेटर सर्विसेज। लेकिन पता चला कि हमने उन एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस को वायलेट करा, और हमने भी क्या करा सर, वहां अपने आपको एनरोल करा लिया जस्ट सो दैट अपने को काम मिल जाए। एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस कहती है कि अपने को क्लाइंट को अप्रोच नहीं करना सामने से, लेकिन आप रेडियो में अनाउंसमेंट करवा रहे हो, देखो भाई मेरा सीए फर्म गाजियाबाद में सिचुएटेड है, मेरा सीए फर्म गुवाहाटी में सिचुएटेड है, हमारी सीए फर्म बहुत ही रेप्यूटेड है, हमारी सीए फर्म बहुत ही नामी है, काइंडली आए अपना काम हमसे करवाएं, हम बहुत ही कम फीस के अंदर आपको काम करके देंगे। तो आप यहाँ पे भी क्या कर रहे हो सर, आप आईसीआई का जो रेप्यूटेशन है वो खराब कर रहे हो, तो ऐसा काम ना करें। तो प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर सर ये चीजें आती हैं कि आप लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करो, आप कुछ भी ऐसा ना करो जिससे आईसीआई का रेपुटेशन हार्म हो, आप हॉनेस्ट एंड ट्रुथफुल रहें अपने रिप्रेजेंटेशंस के बारे में, आप हॉनेस्ट एंड ट्रुथफुल रहें अपने रिप्रेजेंटेशंस के बारे में, आप एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस वायलेट ना करें, आप एक्सग्रेटेड क्लेम्स ना करें। उसके बाद आता है सर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है सर, काबिलियत। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है सर, काबिलियत, ठीक है ना। अब आपने काबिलियत तो ले ली, आप कॉम्पिटेंट तो हो गए, आपको अकाउंट्स का नॉलेज है, आपको टैक्स का नॉलेज है, आपको मल्टी सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रखा है, बट आपने जो वो कॉम्पिटेंस हासिल करी है ना, आपको जगह जगह उस पार्टिकुलर नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है आपको आना चाहिए। यू हैव दैट नॉलेज विद यू, यू हैव दैट प्रोफेशनल नॉलेज विद यू, बट हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज, नॉलेज को अप्लाई करना भी उतना ही जरूरी है जितना नॉलेज एक्वायर करना होता है। आपने नॉलेज एक्वायर तो कर लिया, बट नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है आपको नहीं आता है। इट इज एज इक्विवेलेंट एज हैविंग जीरो नॉलेज। तो आपने प्रोफेशनल नॉलेज तो एक्वायर कर ली, बट साउंड जजमेंट एक्सरसाइज करना एंड अप्लाइंग दोस प्रोफेशनल नॉलेज, कि मैं उस प्रोफेशनल नॉलेज को अप्लाई कैसे करूं, वहां जजमेंट लगाना, दैट मीन्स कॉम्पिटेंस। देन मैं ड्यू डिलिजेंस के साथ काम करूंगा, मैं लापरवाही नहीं दिखाऊंगा, मैं नेग्लिजेंटली काम नहीं करूंगा, मैं केयरफुली काम करूंगा, वो आता है इसके अंदर एक्सरसाइजिंग ड्यू केयर। तो कॉम्पिटेंस का मतलब होता है काबिलियत, हैविंग द प्रोफेशनल नॉलेज, बट हैविंग प्रोफेशनल नॉलेज इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटेंस के अंदर सबसे पहला आता है सर एक्वायरिंग प्रोफेशनल नॉलेज। क्या प्रोफेशनल नॉलेज क्या कर रहे हो सर, एक्वायर कर रहे हो आप। प्रोफेशनल नॉलेज क्या कर रहे हो सर, एक्वायर कर रहे हो। बट उस प्रोफेशनल नॉलेज को एक्वायर करके खाली काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खाली प्रोफेशनल नॉलेज एक्वायर करके काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, साउंड जजमेंट भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा इन अप्लाइंग प्रोफेशनल नॉलेज, एंड आपको एक्ट करना होगा इन अकॉर्डेंस विद टीपीई। व्हाट इज टीपीई? टीपीई मीन्स टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, जैसे कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हो गया, जैसे कि आईसीआई के द्वारा रिलीज किए गए नोटिफिकेशंस हो गए, आईसीआई के द्वारा रिलीज किए गए सर्कुलर्स हो गए, कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट हो गई, ये सारी चीजें। कि आपको क्या करना है सर, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, वो भी कॉम्पिटेंस के अंदर आता है। एंड आपको ड्यू केयर एक्सरसाइज करना है। ड्यू केयर मतलब सावधानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसीलिए आप क्या चाहते हो सर, कि कोई दुर्घटना ना घटे, इसलिए आपको क्या करना है, सावधानी से काम करना है, केयरफुली से काम करना है, बिल्कुल नेग्लिजेंस नहीं दिखाना, बिल्कुल लापरवाही नहीं दिखाना, और एकदम टाइमली बेसिस में काम करना है। ड्यू केयर, आप क्लाइंट का जीएसटी रिटर्न लगा रहे हो, जीएसटी की डेट पार हो जाती है, उसके बाद आप जीएसटी रिटर्न लगाते हो,
इनकम टैक्स रिटर्न लगा रहे हो, इनकम टैक्स की डेट पार हो जाती है, उसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न लगा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है उस काम का। आपको केयरफुल रहना है, क्लाइंट ने आपको फॉल्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दिए, आप उन फॉल्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दे रहे हो, उन पर रिलाई कर रहे हो, भरोसा कर रहे हो और ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दे रहे हो, राइट? तो आपको वैसा नहीं करना है। यू हैव टू एक्ट केयरफुली विदाउट नेग्लिजेंस एंड यू हैव टू एक्ट ऑन ए टाइमली बेसिस। तो दिस इज कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। कॉम्पिटेंस के अंदर होता है सर प्रोफेशनल नॉलेज एक्वायर करें। अब प्रोफेशनल नॉलेज को यू नो एक्सरसाइज कैसे करना है, वहां साउंड जजमेंट एक्सरसाइज करें एंड एक्ट करें इन अकॉर्डेंस विद टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद टीपी। और ड्यू केयर का मतलब होता है कि केयरफुली काम करें, नेग्लिजेंस के बिना काम करें और टाइमली बेसिस में काम करें। और उसके बाद फाइनली आती है सर कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट। तो कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट अगेन इज समथिंग कि हम लोग ऐसे 200 में स्टडी करते हैं, वी स्टडी इन ऐसे 200, कि जब हम ऑडिट करेंगे क्लाइंट का, तो क्लाइंट का ऑडिट करते वक्त अपने को क्लाइंट के ना कभी कभी बिजनेस सीक्रेट्स पता चलेंगे, अपने को क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलेगा जो बहुत सेंसिटिव इन नेचर होगा। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपन ऐसा नहीं कर सकते कि अपन कॉम्पिटिटर के पास गए, अच्छा, मेरे पास क्लाइंट का ना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, 1 करोड़ का चेक देना भाई, मैं इस क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तुमको पास ऑन कर रहा हूं। या फिर मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि एक तो ये हो गया कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसे ले रहा है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, और एक होता है कुछ लोगों को गॉसिप्स की बड़ी आदत होती है, रात में घर वाले सब एक साथ बैठे चाय समोसा खा रहे हैं और चाय समोसा खाते वक्त क्लाइंट ने ऐसा करा, क्लाइंट ने वैसा करा, मेरा क्लाइंट तो ये करता है, मेरा क्लाइंट तो वो करता है, पता चला भाई रातों रात आपकी बात रिकॉर्ड हो गई, सोशल मीडिया में वायरल हो गया, लीक हो गया। तो अल्टीमेटली आपको आपके क्लाइंट ने ना इंटरेस्ट करा है विथ ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। तो आपको अपने क्लाइंट का भरोसा टूटने नहीं देना, आपको अपने क्लाइंट का भरोसा बनाए रखना है। तो आप क्या नहीं करोगे सर, क्लाइंट का कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करोगे विदाउट द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट। आप क्लाइंट का कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करोगे विदाउट द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट। एंड यू हैव टू बी अलर्ट इवन टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इन एडवर्टेंट डिस्क्लोजर। यू हैव टू बी अलर्ट इवन टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इन एडवर्टेंट डिस्क्लोजर। इसका मतलब क्या होता है सर, कि जब सोशल सर्कल बैठा होता है, फैमिली बैठी होती है, रिलेटिव बैठी होती है, तो गलती से बातें निकल जाती हैं, फ्लो फ्लो में अपन कुछ ज्यादा बोल देते हैं और वहां क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है, राइट? तो इन एडवर्टेंट डिस्क्लोजर का मतलब ही होता है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, कि आपने गलती से डिस्क्लोज कर दिया। तो यू हैव टू अवॉइड बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड यू हैव टू बी अलर्ट इवन टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर। जब आप प्रोफेशनल असाइनमेंट में हो, जब आप प्रोफेशनल असाइनमेंट डिस्चार्ज कर रहे हो, जब आप ऑडिट कर रहे हो, तब तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का नॉर्म्स फॉलो करना ही करना है। लेकिन जब आप ऑडिट से रिजाइन कर देते हो, आपके बदले कोई दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाता है, तो आफ्टर द प्रोफेशनल रिलेशनशिप हैज एंडेड ऑल्सो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट अबाइड करनी है। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे भाई मेरा ऑडिट का रिश्ता खत्म हो गया, अब मेरी मर्जी, मैं जहां जाऊंगा मैं क्लाइंट के बारे में जो बोलना चाहूं बोलूंगा। नहीं, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, और वो जो वादा है वो मरते दम तक निभाना पड़ेगा। जब प्रोफेशनल रिलेशनशिप चल रहा था तब आपने वादा निभाया कॉन्फिडेंशियलिटी का, तो वो जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड हो गया है, अब आप नहीं सोच सकते हो कि मैं उस वादे को तोड़ दूंगा। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड हो जाएगा ना, उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़ेगा। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल असाइनमेंट और आफ्टर द प्रोफेशनल रिलेशनशिप इज एंडेड। लेकिन आप देखोगे कि पार्टिकुलरली 3 एक्सेप्शंस हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के रिक्वायरमेंट की। अभी तो अपन ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर अपन बुक से रीड करेंगे, फिर उसमें कुछ एडिशनल्स होगा तो वो देखेंगे, राइट? तो आप देखोगे सर 3 एक्सेप्शंस हैं टू द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जहां जहां अपन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। पहला लॉ कहता है, लॉ कहता है कि आप क्या करें सर, इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें। तो भाई अगर लॉ ने कह दिया तो लॉ सबसे ऊपर है, द लॉ इज द मोस्ट पावरफुल, लॉ इज सुप्रीम। तो लॉ हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के रिक्वायरमेंट को भी क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि एज ए ऑडिटर जब आपको फ्रॉड के बारे में पता चलेगा तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे यू नो विद इन 60 डेज एनी पॉसिबल फ्रॉड्स, एनी एक्चुअल फ्रॉड्स। तो वहां पे लॉ कह रहा है ना सीजी को रिपोर्ट करो, तो अगर लॉ कह रहा है तो भैया बस हो गया, लॉ कह रहा है तो बस आपको डिस्क्लोज करना है, यू आर नॉट ओवरराइडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरा, आपका क्लाइंट ने ऑथराइज कर दिया, तो
तो अल्टीमेटली आप क्या आप क्यों डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे? क्योंकि क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन था. तो आपका अगर आपका क्लाइंट ही ऑथराइज कर रहा है तो क्या कर सकते हो आप सर? डिस्क्लोज कर सकते हो, यू कैन डिस्क्लोज दैट रिक्वायरमेंट. एंड थर्डली आपका प्रोफेशनल ड्यूटी है डिस्क्लोजर का. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आपका पीयर रिव्यू हो रहा है. क्या हो रहा है? पीयर रिव्यू हो रहा है. तो अगर आपका पीयर रिव्यू होता है सर, तो पीयर रिव्यू एक मैकेनिज्म होता है जो आईसीआई करवाता है, और वहां पे एक पीयर रिव्यूअर आता है और आकर आपके एक सीए फर्म के काम को रिव्यू करता है. अब जब वो पीयर रिव्यूअर आके क्या करता है सर, सीए फर्म के काम को रिव्यू करता है, तो वो अल्टीमेटली सीए के वर्किंग पेपर्स भी चेक करता है, और उन वर्किंग पेपर्स में क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, तो वहां आप डिस्क्लोज कर सकते हो. सिमिलरली मान लीजिए आपका क्वालिटी रिव्यू हो रहा है. अगेन क्वालिटी रिव्यू एक रिव्यू मैकेनिज्म है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है. वहां भी अल्टीमेटली एक क्वालिटी रिव्यूअर अपॉइंट होता है, वो आकर सीए फर्म का क्वालिटी रिव्यू करता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करता है, क्लाइंट के वर्किंग पेपर्स वगैरह चेक करता है. तो अगेन वहां आप उनके साथ वर्किंग पेपर्स वगैरह शेयर कर सकते हो, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील हो सकता है. मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रहा है तो वहां भी इन्वेस्टिगेटर आएगा, आपसे आपके वर्किंग पेपर्स मांगेगा, आपको दिखाना पड़ेगा. प्रोफेशनल ड्यूटी है आपका डिस्क्लोज करने का, या क्लाइंट ने आपको ऑथराइज करा है, या लॉ कहता है, लॉ इजाजत देता है. लेकिन जब भी आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे, चाहे किसी भी परिस्थिति में डिस्क्लोज करो, किसी भी सिचुएशन में डिस्क्लोज करो, तो देख लीजिएगा भाई कि आप जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो ना, उससे आपके क्लाइंट को कितना हार्म पहुंचने वाला है. आप कैसा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन कितना सेंसिटिव है, वो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल है, कितना क्रिटिकल है, और आप किसको वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो. तो आप जब इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो, तो जिसको नुकसान होगा उसके बारे में सोचो, उसके इंटरेस्ट के बारे में सोचो. आप किसको कम्युनिकेट कर रहे हो ये देख लो, और आप किस तरीके का इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो ये देख लो. तो डिस्क्लोजर से पहले आप जिस क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो उसको कितना नुकसान पहुंचेगा उसके बारे में सोच लीजिए. आप डिस्क्लोज किसको कर रहे हैं उसका वो देख लीजिए, और आप किस तरीके के इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं वो देख लीजिए. तो बिफोर डिस्क्लोजर आप कंसिडर कर लीजिए इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज हार्म्ड. बिफोर डिस्क्लोजर आप देख लीजिए किस तरीके की कम्युनिकेशन है, क्या टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रहने वाला है. एंड बिफोर डिस्क्लोजर आप देख लीजिए पार्टीज टू हुम कम्युनिकेटेड, राइट? तो विच पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज टू बी कम्युनिकेटेड, व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, राइट? हाउ मच हार्म द पार्टीज गोइंग टू गेट, कौन से पार्टीज को आप कम्युनिकेट करने वाले हो, इन सारी चीजों के बारे में सोच विचार कर लीजिए, उसके बाद कम्युनिकेट कीजिए. लॉजिकल सी चीज है ना यार, मेरा क्लाइंट का मैं कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सेबी को डिस्क्लोज करने वाला हूं, तो मैं देखूंगा मेरा क्लाइंट का क्या नुकसान होगा, किसको कम्युनिकेट करने वाला हूं, सेबी को करने वाला हूं, मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहने वाला है, एंड किस तरीके का इन्फॉर्मेशन मैं कम्युनिकेट करने वाला हूं. वैसे तो मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट किसी भी हाल में फॉलो करनी है, जब तक जीवन रहेगा, जब तक सांसें चलेगी, तब तक उस कॉन्फिडेंशियलिटी का रिक्वायरमेंट फॉलो करना है, बिकॉज लॉ प्रोफेशनल एथिक्स कहता है इवन आफ्टर द प्रोफेशनल रिलेशनशिप इज एंडेड. बट तीन सर्कमस्टेंसेस होंगे, तीन सिचुएशन होंगे जब मैं इस कॉन्फिडेंशियलिटी के रिक्वायरमेंट को तोड़ सकता हूं, वायलेट कर सकता हूं. पहला लॉ कहता है, बिकॉज लॉ इज द सुप्रीम, लॉ इज मोस्ट पावरफुल. दूसरा मेरा क्लाइंट मुझे खुद ही ऑथराइज कर रहा है, और तीसरा मेरा प्रोफेशनल ड्यूटी है डिस्क्लोज करने का. ठीक है जी, तो ये पांच सिद्धांत हैं, पांच प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज ओ आईपीसीसी. ऑब्जेक्टिविटी, तीन बातें ऑब्जेक्टिविटी में, तीन कसमें, बायस्ड नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यू इंटरेस्ट. दूसरी इंटीग्रिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टी, डोंट बी एसोसिएटेड विद एनी फॉल्स रिटर्न, एनी फॉल्स स्टेटमेंट. देन वी हैव प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर. तो प्रोफेशनल बिहेवियर की बात करें तो भैया लॉज रेगुलेशन कंप्लाई करना है, रेपुटेशन ऐसे का हार्म नहीं करना है, एंड अल्टीमेटली हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल रहना है अबाउट रिप्रेजेंटेशन मेड. देन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, तो कॉम्पिटेंस के अंदर नॉलेज एक्वायर करना है, नॉलेज एक्वायर करने से नहीं होगा, साउंड जजमेंट एक्सरसाइज करना है, टीपीए के अकॉर्डिंग काम करना है. ड्यू केयर का मतलब केयरफुली काम करना है, विदाउट नेग्लिजेंस काम करना है, ऑन ए टाइमली बेसिस काम करना है. एंड उसके बाद अगर अपन बात करें सर, तो वी हैव कॉन्फिडेंशियलिटी. तो कॉन्फिडेंशियलिटी जस्ट अभी अभी अपन ने डिस्कस करा, तो ये सारी चीजें आती हैं. अब इसके बाद अपन देखने वाले हैं सर कि यहां लिखा हुआ तो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, कि अपने को ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं. बट आपको क्या लगता है कि सर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करना क्या आसान है, क्या क्या सिंपल है, क्या नहीं? इस राह में बहुत सारे कांटे हैं, इस राह में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे डायमंड्स हैं जो आपको रोकने वाले हैं टू कंप्लाई विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. मूवीज में देखते हो ना, पांच लक्ष्य अचीव करना है, उस रास्ते में चलते जाना है. लेकिन रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं, डायमंड्स आते हैं, जिनसे अपने को लड़ना होता है, अपने को युद्ध लड़नी होती है, पूरी तलवारबाजी चलती है, बंदूकों से लड़ाई चलती है, एंड उनको हराने के बाद ही अपन अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं.
तो सिमिलरली यार ये पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिखने में थे तुमको लग रहा होगा इजी है, आसान है, इतना आसान नहीं है भाई। रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। देर आर गोइंग टू बी सेवरल थ्रेड्स दैट इज गोइंग टू अफेक्ट यू, दैट इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम कंप्लाइंग दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो अगला टॉपिक अपने को यही देखना है कि वो खतरे क्या है, व्हाट आर द थ्रेड्स, और उन खतरों से अपने को बचना कैसे है, क्योंकि हम तो खतरों के खिलाड़ी है ना भाई। कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, हम तो उन मुश्किलों को करेंगे पार, है ना। तो अगला टॉपिक अपने को देखना है कि थ्रेट्स क्या है और उन थ्रेट से बचेंगे कैसे, क्योंकि हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं, हम तो सारे थ्रेट से बच के बाहर निकलेंगे। तो पांच तरीके के थ्रेट्स होते हैं सर, देखेंगे। अगला टॉपिक वही रहेगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फैमिलिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, अलग अलग प्रकार के थ्रेट है। तो क्या थ्रेट है, बचेंगे कैसे, अगला टॉपिक वही रहेगा। अभी नोट डाउन कर लीजिए सर पूरा।
So, hello everyone. So, let's continue our discussion for the topic overview of code of ethics. तो पिछले लेक्चर में अपन ने क्या क्या किया था सर? पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने बातें करी थी, तीन डेफिनेशंस देखे थे, एथिक्स क्या होता है, मिसकंडक्ट क्या होता है एंड आईसीआई के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं फॉर कोड ऑफ एथिक्स, जिसके अंदर पांच सिद्धांतों के बारे में, पांच प्रिंसिपल्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था. ओ आईपीसीसी, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, आई फॉर इंटेग्रिटी, देन वी हैव पी से प्रोफेशनल बिहेवियर, सी से कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, एंड देन अगेन वी हैव सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी. उसके बाद एक एक करके अपन ने सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कस करा था. वी डिस्कस्ड ऑल द प्रिंसिपल्स. अब देखिएगा वो जो पांच सिद्धांत था जिसका डिस्कशन अपन ने करा था, प्रोफेशनल अकाउंटेंट जहां भी मैंने पीए वर्ड यूज कर रखा है उसका मतलब है प्रोफेशनल अकाउंटेंट. ठीक है, तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या करना है सर? हर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को कंप्लाई करना है. तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या करना है सर? हर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करना है. ही हैज टू अवॉइड बाय ऑल द फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, दैट इज ओ आई पी सी सी. लेकिन आपको पता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी ना कभी कभी हमारे गर्लफ्रेंड्स की तरह होते हैं. ठीक है, तो होता क्या है कि मैं एक की बात सुनने जाता हूं दूसरे को मना करना पड़ता है, दूसरे की सुनने जाता हूं तीसरे को मना करना पड़ता है, मोना की बात सुनने जाता हूं सोना को मना करना पड़ता है, सोना की बात सुनने जाता हूं मोना को मना करना पड़ता है. मतलब अगर मैं ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं या फिर इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल मुझे ब्रीच करना पड़ेगा. अगर मैं कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहता हूं तो इन मे भी हो सकता है इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो मेरे को इंटेग्रिटी का जो प्रिंसिपल उसको ब्रीच करना पड़ेगा. तो भाई ऐसे कंफ्यूजन में हम क्या करते हैं? मोना की बात सुनने जाता हूं सोना को मना करना पड़ता है, सोना की बात सुनने जाता हूं मोना को मना करना पड़ता है. अब मैं एक डिलीमा में हूं, क्या करूं मैं, क्या करूं, ये कैसे मुश्किल है. तो मैं क्या करूंगा फिर? घर वालों से एडवाइस लूंगा, घर वालों से बातचीत करूंगा, दोस्तों से बातचीत करूंगा, दोस्तों से एडवाइस लूंगा कि भाई मुझे इस डिलीमा से बाहर निकालो. सिमिलरली अगर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी ऐसे डिलीमा में है और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल को क्या कर रहा है सर? कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है. इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. तो मैं क्या करूंगा सर? कंसल्ट करूंगा. कंसल्ट किससे करूंगा? ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो बाकी लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनसे कंसल्ट करूंगा. जो दोस्त आते गवर्नेंस है द मोस्ट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इन एनी कंपनी उससे कंसल्ट करूंगा. इंस्टीट्यूट से कंसल्ट करूंगा. मे बी जो लीगल एक्सपर्ट्स है, लीगल काउंसिल है उनसे बातचीत करूंगा. तो इन सारी लोगों से बातचीत करूंगा मैं और अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा. तो आई विल कंसल्ट विद अदर्स विद इन द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, आई विल कंसल्ट विद द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, आई विल कंसल्ट विद द इंस्टीट्यूट, आई विल कंसल्ट विद द लीगल काउंसिल, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व माई एथिकल डिलीमा. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व माई एथिकल डिलीमा. तो ये पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है सर जो मेरे को फॉलो करना ही करना है. And there may be situations in which कि मैं एक fundamental principle comply कर रहा हूं तो दूसरे को मैं follow नहीं कर पा रहा हूं, conflict arise हो रहा है. तो in that situation में क्या करूंगा सर? Consult करूंगा. Consult किससे करूंगा सर? Maybe others within the firm or employing organization. Maybe those charged with governance, maybe institute, maybe legal counsel. इन लोगों से मैं consult करूंगा. लेकिन सर ultimately responsible किसकी, responsibility किसकी है to comply with the fundamental principles? मेरी जिम्मेदारी है, मेरी responsibility है. तो क्या consultation से मेरी जिम्मेदारी कम होगी क्या? नहीं, consultation से मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल कम नहीं होगी. Such consultation will not reduce my audit responsibility. Such consultation will not reduce my audit responsibility. In fact, अगर ICAI कहता है कि अगर law regulation मना ना करे ना, अगर law regulation मना ना करे ना, better है भैया disassociate कर लेना from such matters creating the conflict. कि जहां conflict हो जाए, जहां लड़ाई झगड़ा हो, तो better है यार वहां से disassociate कर लेना, अपने को काम ही नहीं करना, अपने को पंगे में ही नहीं पड़ना. कल को अपने ऊपर चार्ज आएगा कि आपने इंडिपेंडेंटली काम नहीं करा, आपने ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम नहीं करा, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का जो एलिमेंट है वो ब्रीच करा. कल को अपने ऊपर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस आएगा कि हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स वायलेट करे हैं. सो उससे अच्छा यह है कि यार डिसोसिएट कर लो फ्रॉम मैटर क्रिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट. कि मैं डिसोसिएट ही कर रहा हूं भैया, आई एम डिसोसिएटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट, आई एम डिसोसिएटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आई एम डिसोसिएटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैटर. लेकिन पूरे ऑडिट के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरे ऑडिट में मैं कहीं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल सकता कि आई एम डिसोसिएटिंग. पूरे ऑडिट में मैं कहीं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल सकता कि आई एम रिजाइनिंग, आई एम टेंडरिंग माय रेजिग्नेशन. नहीं, मेरे को हमेशा यह बोलना पड़ेगा कि अगर लॉ रेगुलेशन परमिट करता है तब मैं डिसोसिएट करूंगा, अगर लॉ रेगुलेशन अलाउ करता है तब मैं रिजाइन करूंगा. तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा.
ठीक है जी। तो पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की हमने बात करी थी। व्हाट आर द फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? एंड देन वी हैव कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, एंड व्हाट टू डू इफ देयर इज एथिकल डिलेमा एंड वन फंडामेंटल प्रिंसिपल इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद द अदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। एक बार इसे नोट डाउन कीजिए सर, उसके बाद अपन जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि आखिर थ्रेट्स क्या है, आखिर खतरे क्या है, व्हाट आर द थ्रेट्स, और क्यों हम इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्यों हमें बहुत मुश्किल होने वाली है इन कंप्लाइंग विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो वो खतरे क्या है, वो थ्रेट्स क्या है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उनको मैनेज कैसे करना है, उनको एड्रेस कैसे करना है, हमारे सेफगार्ड्स क्या होंगे, तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नोट इट डाउन। देखते हैं कि आखिरकार कौन से थ्रेट्स हैं, व्हाट आर द थ्रेट्स, राइट, वो कौन से खतरे हैं, व्हाट आर द थ्रेट्स दैट इज एक्चुअली स्टॉपिंग द प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू कंप्लाई विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना तीन स्टेप्स होते हैं यहां पे। सबसे पहले अपने को थ्रेट को आइडेंटिफाई करना है कि थ्रेट कौन सा है। देर आर फाइव टाइप्स ऑफ थ्रेट्स एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट कि थ्रेट कौन सा है। दूसरी चीज मेरे को इवैल्यूएट करना है कि सर वो थ्रेट क्या एक्सेप्टेबल लेवल पे है, वेदर द थ्रेट इज एट एक्सेप्टेबल लेवल, मतलब उतना थ्रेट चल जाएगा कि नहीं चलेगा, वेदर दैट थ्रेट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, उतना जो थ्रेट है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, या मेरे को विड्रॉ वगैरह कर लेना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आई नीड टू इवैल्यूएट दैट थ्रेट। और तीसरी चीज, अब मेरे को कोशिश करनी है टू एड्रेस दैट थ्रेट। अब मेरे को उन थ्रेट्स को एड्रेस करने की कोशिश करनी है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं उन थ्रेट्स को एलिमिनेट कर सकता हूं पूरी तरीके से, मिटा सकता हूं पूरी तरीके से, क्या अगर थ्रेट को एलिमिनेट नहीं कर सकता तो कैन आई रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, क्या मैं थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल तक ला सकता हूं, क्या क्या सेफगार्ड अप्लाई कर सकता हूं मैं, एंड अगर मेरे को लगता है कि यार थ्रेट को एलिमिनेट करना भी पॉसिबल नहीं है तो इन दैट सिचुएशन क्या मेरे को मना कर देना चाहिए, डिक्लाइन कर देना चाहिए असाइनमेंट, क्या मेरे को एंड कर देना चाहिए असाइनमेंट। तो दिस आर द फंडामेंटल्स दैट आई नीड टू इवैल्यूएट। एकदम ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल है जी। तो थ्रेट के रिलेटेड, थ्रेट से रिलेटेड जब भी बात करेंगे सबसे पहले थ्रेट को आइडेंटिफाई करना है। वो पांच मॉन्स्टर्स हैं, पांच थ्रेट्स हैं, पांच खतरे हैं आप देखोगे, जिनको अपने को क्या करना है सर, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा थ्रेट है। थ्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे पांच थ्रेट आप यहां देखोगे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, एडवोकेसी थ्रेट है, फैमिलियरिटी थ्रेट है, इंटिमिडेशन थ्रेट है। तो पांच प्रकार के थ्रेट्स हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, एडवोकेसी थ्रेट है, फैमिलियरिटी थ्रेट है, इंटिमिडेशन थ्रेट है। तो थ्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, थ्रेट को आइडेंटिफाई करके देखेंगे कि भैया क्या वो थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे है कि नहीं, उससे काम चल जाएगा कि नहीं, कैन आई कंटिन्यू विद द असाइनमेंट और नॉट, कैन आई एक्सेप्ट दोस थ्रेट्स एंड आई कैन गो अहेड और नॉट। तो आई नीड टू इवैल्यूएट दोस थ्रेट्स कि उस थ्रेट का जो है थ्रेशोल्ड है वो कितना है, वो थ्रेट का प्रभाव कितना है, उस थ्रेट का इंपैक्ट कितना है, एंड उसके बाद आई नीड टू एड्रेस दो थ्रेट कि क्या मैं उस थ्रेट को एलिमिनेट कर सकता हूं, या क्या मैं उसे एक्सेप्टेबल लेवल तक ला सकता हूं, मेरे को कौन कौन से सेफगार्ड अप्लाई करने हैं, और मेरे को क्या करना चाहिए सर अगर मुझे लगता है कि मैं थ्रेट को एलिमिनेट नहीं कर सकता हूं, तो इन दैट सिचुएशन मेरे को डिक्लाइन कर देना चाहिए क्या, मना कर देना चाहिए क्या, असाइनमेंट को एंड कर देना चाहिए क्या, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को रिजाइन कर देना चाहिए क्या। आई नीड टू एड्रेस दोस थिंग्स। तो एक एक करके ये पांच चीज अपने को, तीन चीज अपने को देखनी है, आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड एड्रेसिंग द थ्रेट। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन में याद रखिएगा सर पांच प्रकार के थ्रेट हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट। एक एक करके अपने को थ्रेट अच्छे से देखना है,
बट अभी के लिए नाम ध्यान रख लो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी, इंटिमिडेशन। वो थ्रेट जो खुद की वजह से राइज हो रहा है, सेल्फ, जहां सेल्फ वर्ड यूज हो रहा है, तो सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू। दूसरा, जहां मैं किसी को एडवोकेट कर रहा हूं, किसी को प्रमोट कर रहा हूं, एडवोकेसी। देन सम काइंड ऑफ फैमिलिटी इज देयर, फैमिलिटी थ्रेट, एंड देन वी हैव इंटिमिडेशन थ्रेट। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो सर, हाउ विल यू रिमेंबर कि थ्रेट क्या है सर, व्हाट इज द थ्रेट। एक आईएएस ऑफिसर है जिससे ना अपन बहुत फैमिलियर हैं, एक आईएएस ऑफिसर है जिससे अपन ना बहुत फैमिलियर हैं, एंड दिस फैमिलिटी विद द आईएएस ऑफिसर इज द थ्रेट, दिस फैमिलिटी विद द आईएएस ऑफिसर इज द थ्रेट। तो एक तो फैमिलिटी थ्रेट हो ही गया, आई से इंटिमिडेशन थ्रेट हो गया, ए से एडवोकेसी थ्रेट हो गया, एंड एस से अपने पास दो चीजें आ गई, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया एंड सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया। तो एक आईएएस ऑफिसर है, उस आईएएस ऑफिसर के साथ जो अपना फैमिलिटी है वही अपना थ्रेट है, दैट इज फैमिलिटी थ्रेट। आई फॉर इंटिमिडेशन थ्रेट, ए फॉर एडवोकेसी थ्रेट, एस फॉर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एंड एस फॉर सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इनके सिंपल मतलब क्या होते हैं सर? इनका सिंपल मतलब होता है, जैसे कि कुछ थ्रेट्स का मतलब तो नाम से ही पता चल रहा है, इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब क्या होता है? डराना, धमकाना, कि सामने वाला क्लाइंट अपने को डरा रहा है, सामने वाला क्लाइंट अपने को धमका रहा है, सम काइंड ऑफ थ्रेटनिंग इज देयर। तो दैट इज इंटिमिडेशन थ्रेट, कि सम काइंड ऑफ थ्रेटनिंग इज देयर, सामने वाला अपने को डरा रहा है, क्लाइंट अपने को डरा रहा है, क्लाइंट अपने को धमका रहा है। अच्छा भाई, तू मॉडिफाइड ओपिनियन जारी करेगा, ओके वेरी गुड, अगले साल से तेरा फीस कम कर देंगे, अगले साल से ऑडिट हम शिफ्ट कर देंगे, अगले साल से ऑडिटर्स हम रिप्लेस कर देंगे। तो क्लाइंट अपने को धमका रहा है, डरा रहा है। फैमिलिटी थ्रेट, नाम से पता चल रहा है, वी आर वेरी फैमिलियर विद द क्लाइंट। दोस्ताना पार्ट थ्री, वी आर वेरी मच फैमिलियर विद द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ बहुत फैमिलियर है, 30-40 साल से सेम क्लाइंट का ऑडिट करते जा रहे हैं, बहुत फैमिलियर रिलेशन है, यार दोस्त है सारे डायरेक्टर्स वगैरह, एक साथ बैठकर चाय पकौड़ा खाते हैं, पिज्जा ऑर्डर करते हैं, एक साथ जाकर चाय की चुस्की उठाते हैं, एक साथ हाईवेज में जाते हैं घूमने के लिए। फैमिलिटी थ्रेट, कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह जो है, कंपनी के ऑफिसर्स वगैरह जो है, वो अपने क्लोज रिलेटिव्स हैं, तो फैमिलिटी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट, मतलब मैं एडवोकेट कर रहा हूं क्लाइंट को, आई एम एडवोकेटिंग द क्लाइंट, आई एम प्रमोटिंग द क्लाइंट। तो एक तरफ मैं क्लाइंट को प्रमोट कर रहा हूं इन समथिंग, आई एम प्रमोटिंग द क्लाइंट इन समथिंग, आई एम एडवोकेटिंग द क्लाइंट इन समथिंग। मान लो क्लाइंट आईपीओ लेकर आने वाला है और मुझे क्लाइंट को एडवोकेट करना है, मुझे काम दिया गया है कि मुझे क्लाइंट के आईपीओ को सक्सेसफुल बनाना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टारगेट अचीव करवाना है, तो मैं तो क्लाइंट के बारे में सर अच्छा अच्छा बोलूंगा मार्केट में कि मेरा क्लाइंट बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, ये वो। तो एक तरफ मैं एडवोकेट कर रहा हूं और एक तरफ एज ए ऑडिटर मुझे क्या करना है, कमियां निकालनी है, तो वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं फंक्शंस। एडवोकेसी थ्रेट, एक होता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो सेल्फ इंटरेस्ट, नाम से पता चल रहा है सर मेरा खुद का कोई इंटरेस्ट है क्लाइंट में, मेरा खुद का कोई इंटरेस्ट है, मैंने खुद कंपनी के 20% शेयर होल्ड किए हुए हैं, 2 लाख का शेयर होल्ड किया हुआ है, 50 लाख का शेयर होल्ड किया हुआ है, कंपनी से मेरे को कुछ लोन वगैरह मिला हुआ है। तो अल्टीमेटली अगर कंपनी, अगर मैं मॉडिफाइड रिपोर्ट जारी कर दूंगा तो कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिर जाएगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मेरा कोई इंटरेस्ट है, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, राइट। या सेल्फ रिव्यू थ्रेट, अपने ही काम को मेरे को रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है। मान लो मैं कोई मैनेजेरियल पोस्ट भी होल्ड करता हूं कंपनी में, एंड इन द कैपेसिटी ऑफ ए मैनेजेरियल पर्सनल मैंने कुछ सिस्टम्स वगैरह इंप्लीमेंट कराए हैं, तो मैं कोई मैनेजेरियल पोजीशन होल्ड करता हूं कंपनी में, एंड इन द कैपेसिटी ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल मैंने कुछ क्या करा है सर, कंट्रोल्स वगैरह इंप्लीमेंट कराए हैं, और मेरे को ही अब बोला जा रहा है उसे रिव्यू कर। तो इट विल बी जस्ट लाइक कि यार मुझे ही बोला जा रहा है कि बेटा तू ही एग्जाम पेपर्स लिख और तू ही उनको रिव्यू कर। तो बताओ भाई, अगर मैं ही एग्जाम पेपर्स लिखूंगा, मैं ही रिव्यू करूंगा, तो थ्रेट है कि नहीं है? क्या मैं ईमानदारी से निपक्ष होकर, अनबायस होकर पेपर को रिव्यू कर सकता हूं? द आंसर इज नो। उसको कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो इस प्रकार के 5 थ्रेट्स होते हैं, अपने को डिटेल में देखना सर, पांचों थ्रेट्स, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स, डिटेल में देखना। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इन पांचों में से कोई भी थ्रेट है क्या, ठीक है? तो ये 5 तरीके के थ्रेट्स हैं जिनको मेरे को आइडेंटिफाई करना है। क्या कोई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंटरेस्ट थ्रेट है? जब भी मैं ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट करूंगा, मैं देखूंगा मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है क्या, मेरा कोई फैमिलिटी थ्रेट है क्या, मेरा कोई एडवोकेसी थ्रेट है क्या, कोई इंटिमिडेशन थ्रेट है क्या। जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय प्रोफेशनल असाइनमेंट मैं टाइम टू टाइम देखता रहूंगा, कोई एडवोकेसी थ्रेट तो अराइज नहीं हो रहा है, कोई फैमिलिटी थ्रेट तो अराइज नहीं हो रहा है, कोई इंटिमिडेशन थ्रेट तो कहीं से नहीं आ रहा है। अगर है तो उन थ्रेट्स को इवैल्यूएट करूंगा, भैया क्या वो थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे है। और देखना, थ्रेट को इवैल्यूएट करने के लिए मैं परफॉर्म करने वाला हूं RITP टेस्ट। नाम ध्यान से सुनिएगा, RTP नहीं है, RITP है। तो इन थ्रेट्स को इवैल्यूएट करने के लिए मैं परफॉर्म करने वाला हूं RITP टेस्ट। व्हाट इज RITP टेस्ट? रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट।
अब देखिएगा सर, सेम चीज मैं इवैल्यूएट करता हूं, मेरे देखने का नजरिया कुछ और होता है, और सेम चीज एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रिव्यू करती है, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इवैल्यूएट करती है, तो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी का इवैल्यूएट करने का तरीका कुछ और होता है। मान लीजिए आप टेस्ट दे रहे हो, आप अपने खुद के एग्जाम के जो टेस्ट पेपर्स हैं उनका रिव्यू कर रहे हो। एक तो ये हो गया कि अपने खुद के टेस्ट पेपर्स इवैल्यूएट कर रहे हो। दूसरी चीज, आपने एक थर्ड पार्टी को पकड़ा दी कि भाई एक थर्ड पार्टी को बोल दिया। अब वो थर्ड पार्टी हो सकता है कोई फैकल्टी ना हो, कोई एक्सपीरियंस्ड टीचर वगैरह ना हो, बट उसको भी उतना नॉलेज है कि वो तुम्हारा पेपर चेक कर देगा, उतना नॉलेज है। तो तुमने उस थर्ड पार्टी को दे दिया कि आप भी मेरा पेपर इवैल्यूएट करो। अब जिस कंक्लूजन में तुम पहुंचे, उसी कंक्लूजन में वो थर्ड पार्टी पहुंचा, जो कि एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है, जो कि रिजनेबली इन्फॉर्म्ड है। मतलब नॉलेजेबल तो नहीं होगा उतना, डिग्री नहीं होगा मे बी, बट उसको उतना नॉलेज है कि तुम्हारा पेपर इवैल्यूएट कर सकता है। और जिस ओपिनियन में तुम पहुंचे हो, उसी ओपिनियन में थर्ड पार्टी भी पहुंचा है। जो कंक्लूजन तुमने अपने पेपर के लिए डिराइव करा है, वही कंक्लूजन वो रिजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी भी डिराइव कर रहा है। इसका मतलब तुम सही ट्रैक में जा रहे हो, तुम्हारा कंक्लूजन सही है, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा कंक्लूजन डिफरेंट है फ्रॉम द थर्ड पार्टी, इसका मतलब बेटा तुम्हारा जो ट्रैक है वो सही नहीं है, तुम्हारा जो कंक्लूजन है वो सही नहीं है। बट अगर तुम्हारा कंक्लूजन मैच कर रहा है उस थर्ड पार्टी के कंक्लूजन के साथ, जो कि एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है, जो कि रिजनेबली इन्फॉर्म्ड है, इसका मतलब तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक उसी तरीके से होता है रिजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट। तो ये रिजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट क्या कहता है कि आप क्या करो, थर्ड पार्टी को बोलो, अब थर्ड पार्टी को बोलो कि जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस बन रही हैं, जो भी हालात बन रही हैं, आप एक थर्ड पार्टी को बोलो कि उन सारी चीजों को इवैल्यूएट करें। अगर वो थर्ड पार्टी भी देखकर बोलता है ना कि हाँ भाई सब कुछ सही है, थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल तक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इसका मतलब सब कुछ सही है, आप आगे जा सकते हो। एक थर्ड पार्टी को बोलो कि वो इवैल्यूएट करके दे, ठीक है ना। एक थर्ड पार्टी को बोलो वो इवैल्यूएट करके दे। और वो थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई डिग्री हो, डिप्लोमा हो, वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, नॉट इंपॉर्टेंट, बट वो उतना इन्फॉर्म्ड पार्टी हो, वो उतना नॉलेजेबल पार्टी हो कि वो जजमेंट अराइव कर सकता है। ही कैन अराइव टू ए जजमेंट, उतना जजमेंटल स्किल है उसके पास, उतना बेसिक नॉलेज एक्सरसाइज करता है वो बंदा। तो वो थर्ड पार्टी भी अगर सेम कंक्लूजन पर अराइव करता है, मतलब आप सही जा रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी टेस्ट में आप ऑन ए रियलिटी ग्राउंड्स आप किसी थर्ड पार्टी को हायर भी कर सकते हो, किसी थर्ड पार्टी को बोल भी सकते हो, बेटा तू क्या कर, इवैल्यूएट कर कि सब कुछ सही है कि नहीं, जो मेरा कंक्लूजन है मुझे देखना है कि वो तेरे कंक्लूजन से मैच करता है कि नहीं, फिर मैं कंक्लूड करूंगा कि थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे है कि नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी को ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स ला नहीं रहे हो, बट आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर मैं थर्ड पार्टी होता तो किस प्रकार के प्रोसीजर्स लगाता, अगर मैं थर्ड पार्टी होता तो मैं किस तरीके से इस चीज को इवैल्यूएट करता, अगर मैं थर्ड पार्टी होता तो मेरा क्या कंक्लूजन निकलता, मेरा क्या ओपिनियन निकलता। और अगर वो कंक्लूजन मैच कर रही है सर, तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो एदर आई कैन थिंक कि अगर इफ आई स्टेप इनटू द शूज ऑफ ए थर्ड पार्टी, कि अगर मैं थर्ड पार्टी होता तो इन दैट सिचुएशन मैं क्या करता, मैं किस तरीके से पॉलिसीज प्रोसीजर्स को इवैल्यूएट करता, मैं किस तरीके से चीजें देखता, या फिर मैंने ऑन रियलिटी क्या करा है, किसी थर्ड पार्टी को हायर कर लिया और किसी थर्ड पार्टी से चीजें इवैल्यूएट करा रहा हूं, और थर्ड पार्टी का जो कंक्लूजन है वो मेरे कंक्लूजन से मैच कर रहा है, मतलब ट्रैक सही चल रहा है अपना, वी कैन इवैल्यूएट। तो उसको बोलता है सर आरआईटीपी टेस्ट, कि एक रिजनेबल थर्ड पार्टी, रिजनेबली एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी की मदद से क्या किया सर, आपने इवैल्यूएट करा। और उसके बाद होता है सर फाइनली एड्रेस, कि आप क्या कर रहे हो, पहले देख रहे हो कि थ्रेट को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तो कैन वी रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, क्या क्या सेफगार्ड्स अपन अप्लाई कर सकते हैं, एंड शुड वी डिक्लाइन द असाइनमेंट, शुड वी एंड द असाइनमेंट। तो दिस इज द कंप्लीट फ्लो, आर यू गेटिंग दिस फ्लो, दिस इज द कंप्लीट फ्लो, ठीक है ना। आरआईटीपी टेस्ट अपने को अलग से बुक से रीड करना है। ये सारे पोर्शंस मैं आपको नोट डाउन इसलिए करा रहा हूं बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन है, अगर हम थोड़ा सा समझ लेंगे, साथ में लिख लेंगे, साथ में चार्ट्स बना लेंगे, तो अपना जो क्लैरिटी है वो थोड़ा सा ज्यादा इनहेंस हो जाएगा और अपने को चीजें थोड़ी बहुत क्लास में याद हो जाएंगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अब देखना सर आपके मॉड्यूल में ना इस बार उन्होंने एक नई चीज दी है, नया कैटेगराइजेशन दिया है। क्या दिया है, हर एक थ्रेट के उन्होंने एग्जाम्पल्स दो प्रकार से दिए हैं, कि अगर मैं सीएन प्रैक्टिस हूं तो मेरे लिए क्या क्या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स हो सकते हैं, सिमिलरली अगर मैं सीएन सर्विस हूं तो मेरे लिए क्या क्या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स हो सकते हैं, सिमिलरली अगर मैं सीएन प्रैक्टिस हूं तो इन दैट सिचुएशन मेरे लिए क्या क्या सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स हो सकता है, अगर मैं सीएन सर्विस हूं तो मेरे लिए क्या क्या सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स हो सकता है, अगर मैं सीएन प्रैक्टिस हूं तो मेरे लिए क्या क्या एडवोकेसी थ्रेड हो सकता है, अगर मैं सीएन सर्विस हूं तब मेरे लिए क्या क्या एडवोकेसी थ्रेड हो सकता है, अगर मैं सीएन प्रैक्टिस हूं तब मेरे लिए क्या क्या फैमिलिटी थ्रेड हो सकती है, और अगर मैं सीएन सर्विस हूं तो मेरे लिए क्या क्या फैमिलिटी थ्रेड हो सकती है,
एंड सिमिलरली अगर मैं सीएन प्रैक्टिस हूं तो मेरे लिए क्या क्या इंटिमिडेशन थ्रेट हो सकता है, और अगर मैं सीएन सर्विस हूं तो मेरे लिए क्या क्या इंटिमिडेशन थ्रेट हो सकती है। मतलब पहले पुराने सिलेबस के अंदर इन द ओल्ड मॉड्यूल व्हाट दे डिड वाज एक कॉमन कैटेगराइजेशन दे गेव, कॉमन एग्जांपल्स दे गेव कि हाँ भाई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के दो तीन एग्जांपल, सेल्फ रिव्यू थ्रेट के दो तीन एग्जांपल, एडवोकेसी थ्रेट के दो तीन एग्जांपल, फैमिलियरिटी थ्रेट के दो तीन एग्जांपल, इंटिमिडेशन थ्रेट के दो तीन एग्जांपल। बट अब इन लोगों ने क्या क्या बोला, नहीं अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो एग्जाम्पल्स चेंज होगा, अगर आप सर्विस में हैं तो एग्जाम्पल्स चेंज होगा, तो प्रैक्टिस के हिसाब से अलग एग्जाम्पल समझिए और सर्विस के हिसाब से अलग एग्जाम्पल समझिए। और वो सारे एग्जाम्पल्स अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि वी हैव टू लर्न दैम। कोई भी पार्टिकुलर एग्जाम्पल आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है, इंटीग्रेटेड केस स्टडी सिनेरियो के फॉर्म में पूछा जा सकता है, केस स्टडीज के फॉर्म में पूछा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो एवरी एग्जाम्पल वी मस्ट नो। इस पूरे पोर्शन में मैंने बहुत मेहनत करी है, आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई करी है। आप देखोगे कि अगर आप बुक से पढ़ते हो तो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट हमने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं एंड इस तरीके से चीजों को सिंप्लीफाई किया है कि आपके लिए ये चीज आसान होगी। ठीक है, अब मॉड्यूल में आप देखोगे कि पहले ना सारा सीएन प्रैक्टिस के एंगल से सारे थ्रेड को समझाया, सारे एग्जाम्पल्स दिए, और फिर सीएन सर्विस के एंगल से, लेकिन मैंने हर थ्रेड का बाइफरकेशन साथ साथ किया है कि आप सोचो कि अगर मैं प्रैक्टिस में हूं तो मेरे लिए क्या क्या थ्रेड होगा, अगर मैं सर्विस में हूं तो क्या क्या थ्रेड होगा। तो सर सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या होता है, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में याद रखिएगा सर दो कीवर्ड्स हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हो सकता है या अदर इंटरेस्ट भी हो सकता है। मतलब मेरा अगर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है किसी कंपनी के अंदर किसी क्लाइंट के साथ, इसका मतलब या तो वो मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हो सकता है या कोई अन्य प्रकार का इंटरेस्ट भी हो सकता है, और वो जो पार्टिकुलर इंटरेस्ट होगा वो क्या करेगा, वो मेरे जजमेंट को या मेरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। क्या करेगा, मेरे बिहेवियर को या मेरा जजमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। आप सोचो सर कोई ऐसा फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि मेरा जजमेंट उससे प्रभाव नहीं हो रहा, मेरा बिहेवियर उससे प्रभाव नहीं हो रहा, तो वो तो थ्रेट ही नहीं है ना भाई। लेकिन कोई ऐसा फाइनेंशियल थ्रेट है, मैंने कंपनी में कुछ शेयर्स वगैरह ले रखे हैं, मेरे को कंपनी से कुछ फंडिंग्स वगैरह मिली हुई है, मेरा कोई ऐसा फाइनेंशियल थ्रेट है, मेरा कोई ऐसा फाइनेंशियल थ्रेट है कंपनी में, ऐसा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में कि भैया मैं मॉडिफाइड ओपिनियन देने से पहले 10 बार सोचूंगा कि मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दूं या ना दूं, क्योंकि हो सकता है कि मेरा वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट सफर कर जाए। आई एम हैविंग सम यू नो बिग मॉनिटरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व विद द क्लाइंट, सम अदर काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व विद द क्लाइंट, और मेरे को मॉडिफाइड ओपिनियन जारी करने से पहले 10 बार सोचना पड़े कि मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दूं या नहीं दूं, वरना क्लाइंट नाराज हो जाएंगे तो मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट सफर कर जाएगा। तो उसको अपन बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब होता है सर या तो मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या अदर इंटरेस्ट है, और वो जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या वो जो अदर इंटरेस्ट है वो इन अप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस करता है प्रोफेशनल अकाउंटेंट के जजमेंट को या बिहेवियर को। तो मेरा या तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या अदर इंटरेस्ट है, और ये जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है अदर इंटरेस्ट है ये इन अप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस करता है प्रोफेशनल अकाउंटेंट के जजमेंट को या बिहेवियर को। दिस इज द डेफिनेशन यू नीड टू लर्न। ठीक है, अब इसको हमने दो प्रकार में डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। व्हाट आर द सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स व्हेन अंडरटेकिंग प्रोफेशनल सर्विस। जब हम वर्डिंग्स यूज करते हैं ना सर कि व्हाट आर द सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स व्हेन अंडरटेकिंग प्रोफेशनल सर्विस, इसका मतलब होता है सर हम सीएन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट थ्रेट व्हाट आई हैव डिड इज कि मैंने ना सीधा सीएन प्रैक्टिस और सीएन सर्विस में बाइफरकेट कर दिया, बट पहले थ्रेट में आपको इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज प्रोवाइड किया मैंने जो इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में यूज करा है। व्हेन अंडरटेकिंग प्रोफेशनल सर्विस यानी सीएन प्रैक्टिस की बात हो रही है, वी आर अंडरटेकिंग सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल सर्विस। व्हेन अंडरटेकिंग प्रोफेशनल एक्टिविटी यहां पे सीएन सर्विस की बात हो रही है। ठीक है, अब सर इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स है ना, वैसे तो और भी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं लेकिन आपको इन एग्जाम्पल्स को एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा, एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी एग्जाम्पल कहीं भी आ सकता है। एग्जैक्टली द सेम एग्जाम्पल्स यू मस्ट रिमेंबर। तो सबसे पहले बोला सर डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, हम सीएन प्रैक्टिस के एंगल से सोच रहे हैं, तो बोला डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। मेरा कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मेरे क्या सर कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी के साथ, मैं कोई शेयर वगैरह होल्ड करके बैठा हूं कंपनी में। मैं क्या कर रहा हूं सर, कुछ शेयर वगैरह होल्ड करके बैठा हूं कंपनी में, मेरा कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या मे बी मुझे जो मेरा जो रेमुनरेशन है उस पार्टिकुलर क्लाइंट से वो बहुत ज्यादा है, वो डोमिनेट करता है। मतलब 10 क्लाइंट से मिलाकर जितना रेमुनरेशन मिलता है ना, उतना एक अकेला क्लाइंट मेरे को प्रोवाइड करता है रेमुनरेशन, तो मेरा डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूज फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया सर, आई एम हैविंग होल्डिंग सम काइंड ऑफ शेयर्स इन द कंपनी, या फिर मे बी आई एम गेटिंग वेरी बिग रेमुनरेशन फ्रॉम द कंपनी, आई एम गेटिंग मोर रेमुनरेशन फ्रॉम द कंपनी एंड आई एम हैवली डिपेंडेंट ऑन द रेमुनरेशन ऑफ द कंपनी, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट।
अब आपके मन में आ सकता है, सर आपने एग्जांपल दिया कि आपके कंपनी में शेयर होल्ड है, बट एज पर कंपनीज एक्ट हम तो कंपनी में शेयर होल्ड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, एज पर कंपनीज एक्ट अपन कंपनी में शेयर होल्ड ही नहीं कर सकते। तो वो प्रोविजन लाया ही गया है सर यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को दूर करने के लिए, वो प्रोविजन लाया ही गया है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए, समझो उस चीज को। तो काफी सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, आपको लगेगा सर ये तो हम कर ही नहीं सकते, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, कंपनीज एक्ट में तो रेस्ट्रिक्शन है, वी कैन नॉट डू दिस। यस यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज टू एलिमिनेट दोस थ्रेड्स देयर इज अ प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट, बट एग्जाम्पल तो रहेगा ना, वो थ्रेड तो है ना। अब कंपनीज एक्ट आपको मना कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, अलग बात है। तो मेरा डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा जो सिचुएशन दिया है यहाँ पे, ये थोड़ा सटपटा सिचुएशन है, कोटिंग लो फीस। भैया नया असाइनमेंट चाहिए, नया मुर्गी पटाना है मेरे को, तो मेरे को क्या करना है सर, नया असाइनमेंट लेना है। और नया असाइनमेंट लेने के लिए हम आजकल इतने कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं, इतने कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं कि भैया उस वक्त तो जैसे तैसे क्लाइंट मिल जाए, जो भी फीस मिल रहा है मिले, बस क्लाइंट मिल जाए। अब अल्टीमेटली उसकी वजह से होता क्या है यार, कि व्हेन वी डिस्चार्ज आवर ऑडिट फंक्शन, व्हेन वी कंप्लाई द टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, तो वी ऑल्सो हैव टू इंकर ए कॉस्ट। वी नीड मिनिमम सेट ऑफ स्टाफ, वी नीड मिनिमम सेट ऑफ रिसोर्सेज, इवन वी हैव आवर ओन एक्सपेंडिचर बजट्स। लेकिन सोच के देखो यार, बस मैंने कम फी के चक्कर में क्या कर लिया, असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन लेटर ऑन क्या होगा, मैं क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा, मैं टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अब इसमें भी मेरा खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था ना, मेरे को बस नया क्लाइंट चाहिए था, बस नया क्लाइंट चाहिए था, और उसके चक्कर में मैंने लो फीस कोट कर दी, और ये मैं भूल गया कि मेरा प्रोफेशनल क्वालिटी सफर करेगा, मेरा प्रोफेशनल क्वालिटी डिग्रेड होगा। क्लियर है? तो ये हो गया कोटिंग लो फी। तो पहले सिचुएशन में डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मे बी आई एम गेटिंग सम हाई अमाउंट फ्रॉम द क्लाइंट, और दूसरा सिचुएशन बिल्कुल उल्टा है, मैं लो फीस कोट कर रहा हूं क्लाइंट को टू गेट द न्यू असाइनमेंट, वो भी एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। तीसरा, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप। मेरा साइड बाय साइड एक बिजनेस भी है, घर का बिजनेस है, अपना फैमिली बिजनेस है, और अपना उस बिजनेस का, फैमिली बिजनेस का मेजर सप्लायर कौन है, क्लाइंट, जहां पे मैं ऑडिट कर रहा हूं। और अगर वहां से सप्लाई होना बंद हो गया ना माल, तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। एंड माई सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द सीए वर्क इज लेस देन द बिजनेस, तो कहीं ना कहीं मैं इन्फ्लुएंस होऊंगा, कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, चांसेस है बहुत ज्यादा कि भैया मॉडिफाइड ओपिनियन इश्यू करने से पहले मैं 10 बार सोचूं। तो हो गया क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप। उसके बाद चौथी चीज होती है एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। मेरे पास क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का डाटा है, मेरे पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है क्लाइंट का, और अगर वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जाके बाहर मैंने प्रोवाइड कर दी ना कॉम्पिटिटर्स को, मतलब मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, करोड़ों कमा लूंगा मैं, पता चलेगा कि मेरी जो पुश्तें हैं वो भी बैठ के खा रही हैं, इतना कमा लूंगा मैं। और अगर कोई फॉरेन ब्रांच वगैरह है तो पता चला डॉलर्स में पैसे मिल रहे हैं, यूरोज में पैसे मिल रहे हैं, अगर मैंने वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो आई माइट हैव अ ग्रीड ऑफ पर्सनल गेन टू ट्रेड दैट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो वहां भी क्या हो सकता है सर, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो सकता है। तो पहले एग्जाम्पल है मेरा डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, दूसरा है कि मैंने बहुत लो फी कोट कर दी है, तीसरा मेरा क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, चौथा मुझे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिल गया है, एंड पांचवा सिग्निफिकेंट एरर डिस्कवर्ड इन वर्क परफॉर्म्ड प्रीवियसली बाय फर्म्स मेंबर। मैंने पहले अपने आर्टिकल चिंटू को भेजा था जा भाई ऑडिट करके आ, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेजा था रामू को जा ऑडिट करके आ, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करके आया था, मेरे टीम मेंबर्स ऑडिट करके आए थे, सब कुछ हुआ था, प्रीवियस फाइल्स है, पुराने फाइल्स है, पुराने सालों का रिकॉर्ड है या कुछ भी है। अब मैं जब उस काम को रिव्यू कर रहा हूं, मैंने देखा कि अरे मैंने जिन लोगों को भेजा था काम करने के लिए, उन लोगों ने तो काम अच्छे से ही नहीं किया था, यहां तो मुझे सिग्निफिकेंट एरर्स मिल रहे हैं। नाउ देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि मैं क्या करूंगा, उन एरर्स को कंसील कर लूंगा, उन एरर्स को छुपा लूंगा, उन एरर्स के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपने ही घर के बच्चे हैं, अपनी फर्म के मेंबर्स हैं, उन लोगों ने सिग्निफिकेंट एरर डिस्कवर नहीं किया था जो मैंने अब करा है। तो अल्टीमेटली अगर मैं सिग्निफिकेंट एरर्स उठाऊंगा तो मेरे ही फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में सवाल खड़ा हो जाएगा कि आपका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस नहीं है, आपका क्वालिटी कंट्रोल अच्छा नहीं है, आपके टीम मेंबर्स ने इतना बड़ा एरर कैसे ओवरलुक कर दिया। तो वहां भी एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो जाता है। तो कुल मिला के ना ये पांच सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के एग्जाम्पल्स दिया हुआ इंस्टीट्यूट ने व्हेन वी आर अंडरटेकिंग प्रोफेशनल सर्विस यानी कि इन प्रैक्टिस। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, हाई रेमुनरेशन, उसको ऑपोजिट लो फी, फिर साइड में बिजनेस, एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड सिग्निफिकेंट एरर डिस्कवर्ड। ठीक है जी, अब इसी के एग्जाम्पल्स लेते हैं व्हेन अंडरटेकिंग प्रोफेशनल एक्टिविटी यानी कि व्हेन वी आर सीए इन सर्विस। तो यहां पर डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाला पॉइंट फिट हो जाएगा। तो यहां पर डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, या मेरे को क्लाइंट से कोई मेजर लोन मिल गया है, गारंटी वगैरह मिल गया है फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे देखो यार, वो कोटिंग लो फी वाला एग्जाम्पल आएगा नहीं, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप वाला एग्जाम्पल जल्दी से आएगा नहीं। यहां पे क्या होगा, क्या एग्जाम्पल फिट होगा कि क्लाइंट ने ना क्या क्या कुछ कंपेंसेशन अरेंजमेंट वगैरह प्रोवाइड किया है, सम इंसेंटिव कंपेंसेशन अरेंजमेंट।
ठीक है, सम इंसेंटिव कंपेंसेशन अरेंजमेंट, और उस इंसेंटिव कंपेंसेशन अरेंजमेंट के तहत ना कंपनी बीएमडब्ल्यू देने वाली है, और आई एम इंटाइटल टू दैट, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मुझे भी बीएमडब्ल्यू मिलने वाला है। लेकिन अगर मैंने यहां पे पंगे ले लिए, अगर मैंने क्या किया यहां पे पंगे ले लिए, और मैंने जो क्लाइंट है उसकी कमियां निकाल दी, मैंने क्या करी सर, क्लाइंट की कमियां निकाल दी, सो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट, इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन अगेन एक थ्रेट है कि मैं ईमानदारी से काम नहीं कर पाऊंगा, अगेन एक थ्रेट है कि मैं ईमानदारी से काम नहीं कर पाऊंगा, या मेरे को क्लाइंट ने ना कॉर्पोरेट एसेट्स का एक्सेस दिया हुआ है फॉर पर्सनल यूज, पता चला क्लाइंट की मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फ्लैट, बंगलो, जो यूज करना करो, अपने ही समझो, अपनी प्रॉपर्टी समझो, तो वहां पे हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बना रहेगा, मुझे लालच रहेगा कि भाई आई एम गेटिंग एक्सेस टू ऑल दोस कॉर्पोरेट एसेट्स जो शायद लाइफ में मैं कभी खुद एफर्ट ना कर पाऊं, तो हमेशा एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट रहेगा। या मान लीजिए आपको ना स्पेशल गिफ्ट मिल रहा है क्लाइंट से, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है क्लाइंट के सप्लायर से, पता चल रहा है क्लाइंट आपको डेली बेसिस में ना 5 स्टार होटल्स में भेज रहा है, 5 स्टार एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, आपको स्पास करवा रहा है, बेस्ट स्पास इन द वर्ल्ड के एक्सेस प्रोवाइड करवा रहा है आपको, पता चला भाई आपको क्लाइंट यू नो हनीमून पैकेजेस में आपको दुबई भेज रहा है, सिंगापुर भेज रहा है, स्विट्जरलैंड भेज रहा है, तो ऐसे ऐसे स्पेशल गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो आपको क्या इंटरेस्ट रहेगा कि भाई मेरे को ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ना, मेरे को ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ना, तो वहां भी काम करते वक्त हो सकता है कि एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो जाए, देयर माइट बी अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो अगर हम प्रोफेशनल एक्टिविटी अंडरटेक कर रहे हैं तो ये सर एग्जांपल्स दिए हैं सर, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया, कोई कंपेंसेशन अरेंजमेंट में इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, एक्सेस टू कॉर्पोरेट एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, या स्पेशल गिफ्ट या स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम द सप्लायर्स ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ आई एम अंडरटेकिंग ए प्रोफेशनल सर्विस तो ये 5 चीजें हैं, दैट इज डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कोटिंग लो फी, बिजनेस रिलेशनशिप, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड सिग्निफिकेंट एरर डिस्कवर्ड इन द वर्क यू नो previously performed by my first firm's member, तो ये अपना सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया, सबसे लंबा यही है, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स इसी के हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ रहे हो डिफरेंस, तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या हूं सर, मैं प्रैक्टिस में था, फर्स्ट कैटेगरी में मैं प्रैक्टिस में था, तो अकॉर्डिंगली मेरा डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, मे बी यू नो मेरा जो रेमुनरेशन उस क्लाइंट से बहुत ज्यादा है, या फिर मेरे को किसी भी हालत में क्लाइंट चाहिए, तो न्यू असाइनमेंट लेने के लिए मैंने लो फीस कोट कर दी, जिसकी वजह से मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया टू कंप्लाई विद टीपी, मेरा बहुत क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, मेरे पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस है जिसको यूज करके मैं यू नो डॉलर्स में एंड यूरोज में कमाने के सपने देख सकता हूँ, या मेरे ही टीम मेंबर्स ने पहले क्या करी सर, गलतियां करी, बाद में मैंने सिग्निफिकेंट एरर्स डिस्कवर करें, और यहां पे क्या हूं सब, मैं जॉब में हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, तो मेरा डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ऑन द कैपेसिटी ऑफ इन द कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय भी मैंने क्या कर रखा है सर, कंपनी में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत सारे शेयर्स कंपनी के खरीद रखे हैं, तो मैं तो यही चाहूंगा ना कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो एकदम बूम हो, एकदम ऊपर जाए, कंपनी ने मुझे बहुत लोन्स दे रखे हैं सस्ते इंटरेस्ट रेट में दे रखे हैं, कंपनी ने कुछ कंपेंसेशन अरेंजमेंट्स प्रोवाइड कर रखे हैं जिसके तहत मुझे बीएमडब्ल्यू मिल सकता है, यू नो मर्सिडीज मिल सकता है, फ्लैट मिल सकता है, बंगलो मिल सकता है, कंपनी बोल रही है भाई हमारे जितने करोड़ों अरबों के एसेट्स है तुम यूज करो पर्सनल पर्पस के लिए, मजे से यूज करो, बस हमारे हिसाब से जैसे हम बोलेंगे वैसे करके दे देना, या फिर स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल ट्रीटमेंट। उसके अलावा होता है सर सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स। अब सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स का मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है सर, पहले मैंने ही जजमेंट एक्सरसाइज किया था
एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट, मैंने ही कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करी थी और अब मुझे ही सेम टेस्ट को इवैल्यूएट करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैंने ही जजमेंट्स यू नो एक्सरसाइज करे थे, मैंने ही एक्टिविटीज परफॉर्म करा था, मुझे ही उस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल होता है सर कि मुझे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला गया था, मैं ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा रहा था क्लाइंट का, मैंने ही कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू नो प्रिपेयर करवाए हैं, या मैंने ही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट कराया है क्लाइंट के लिए, मैंने ही कंसल्टेंसी दी है, मेरे ही कंसल्टेंसी के बेसिस में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ। नाउ जस्ट इमेजिन कि बाद में बोला जाएगा कि भाई आप ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनाए कि नहीं, आप ही इवैल्यूएट करो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही से है कि नहीं। तो वहां पे आएगा सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इट जस्ट लाइक कि मैंने ही एग्जाम के पेपर्स लिखे और मुझे ही रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब ऐसा हो गया तो भैया सोने में सुहागा, सबको 100 में से 100 आ रहे हैं, हर बच्चा पास हो रहा है, कि खुद ही एग्जाम्स का पेपर लिख रहे हैं और खुद को ही रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है। तो प्रीवियस जजमेंट्स एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट हिमसेल्फ एंड आस्क्ड टू इवैल्यूएट द सेम। तो अब सिमिलरली यहां पे जो थ्रेट्स अराइज होगा व्हेन अंडरटेकिंग प्रोफेशनल सर्विस, कि जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसने ही क्या करा, इंप्लीमेंट करा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एंड नाउ ही इज आस्क्ड टू इशू द एश्योरेंस रिपोर्ट्स ऑन दोज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो वो बोलेगा क्या कभी कि अरे भाई जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैंने इंप्लीमेंट करवाया था वो एकदम बेकार है, वो बिल्कुल फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए कामयाब नहीं है, तो उसी के काम में सवाल उठेंगे। या फिर प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं क्या कर रहा है सर, ओरिजिनल डाटा को प्रिपेयर किया है और वही डाटा क्या है, सब्जेक्ट मैटर है हमारे एश्योरेंस एंगेजमेंट का। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने ओरिजिनल डाटा को प्रिपेयर करा है और वही ओरिजिनल डाटा क्या है सर, सब्जेक्ट मैटर है हमारे एश्योरेंस एंगेजमेंट का। याद रखिएगा एश्योरेंस एंगेजमेंट के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सब्जेक्ट मैटर बोलकर एड्रेस किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या बोलकर एड्रेस किया जाता है, सब्जेक्ट मैटर बोलकर एड्रेस किया जाता है। और यहां पे अगर मैं नौकरी में हूं तो एग्जाम्पल में इन्होंने दिया बिजनेस कॉम्बिनेशन का, क्या एग्जाम्पल दिया बिजनेस कॉम्बिनेशन का, मान लो कंपनी एक बिजनेस कॉम्बिनेशन एंटर करने जा रही है, कुछ मर्जर्स अमलगमेशन वगैरह एंटर करने जा रही है। अब क्योंकि मैं नौकरी में हूं, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे को बिजनेस कॉम्बिनेशन का अच्छा खासा नॉलेज है, तो मेरे को ही बोला गया कि आप एक फिजिबिलिटी एनालिसिस करें और फिजिबिलिटी एनालिसिस करके बताएं कि हमें बिजनेस कॉम्बिनेशन एंटर करना चाहिए कि नहीं, हमें दूसरी कंपनी को परचेज करना चाहिए कि नहीं, और हमने फिजिबिलिटी एनालिसिस करके बताया है कि बिल्कुल आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंटर करना चाहिए, आपको टारगेट कंपनी को खरीदना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए। अब आगे हम ही को बोला जा रहा है कि आप बताएं कि वो जो परचेज डिसीजन था वो सही था कि नहीं, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था उस वक्त वो अप्रोप्रिएट था कि नहीं, हमारा डिसीजन फिजिबल था कि नहीं। तो भाई मैं अपने ही किए गए काम पे क्या करूंगा, कोई उंगली उठाऊंगा क्या, सवाल उठाऊंगा क्या कि नहीं, मैंने उस वक्त गलत एडवाइस किया था, मैंने उस वक्त गलत एडवाइस किया था, आपको गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया था। तो क्या मैं अपने ही काम में उंगली उठाऊंगा, नहीं। तो वहां पे क्या अराइज हो जाएगा सर, सेल्फ रिव्यू थ्रेड। तो एग्जांपल में क्या दिया इन्होंने, बिजनेस कॉम्बिनेशन के एग्जांपल दिया है, दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो आपको याद रखना है सर कि सीएन प्रैक्टिस के एंगल से दो एग्जांपल दिया है, इंटरनल कंट्रोल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड सीएन सर्विस के एंगल से क्या एग्जांपल दिया है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का एग्जांपल दिया है। उसके बाद आता है सर एडवोकेसी थ्रेट। अब एडवोकेसी थ्रेट का मतलब क्या हो रहा है कि प्रैक्टिस जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है वो क्लाइंट को प्रमोट कर रहा है, या फिर अगर मैं नौकरी में हूं, मैं जॉब में हूं, तो वो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहा है और इस एक्सटेंट तक प्रमोट कर रहा है कि उसको ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। तो इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट आई एम प्रमोटिंग माई क्लाइंट, या फिर आई एम प्रमोटिंग द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम प्रमोटिंग देम टू द पॉइंट कि माई ऑब्जेक्टिविटी मे गेट कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है अगेन सीएन प्रैक्टिस के एंगल से, वन अंडरटेकिंग प्रोफेशनल सर्विस, तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक तो मैं प्रमोट कर रहा हूं, एक तो मैं प्रमोट कर रहा हूं, क्या प्रमोट कर रहा हूं सर, क्या प्रमोट कर रहा हूं मैं, मान लीजिए मैं एक कंपनी का क्लाइंट, कंपनी का आईपीओ प्रमोट कर रहा हूं, कंपनी के शेयर्स प्रमोट कर रहा हूं, मेरा कोई इंटरेस्ट है, मैं अपना इंटरेस्ट प्रमोट कर रहा हूं, कंपनी के शेयर्स प्रमोट कर रहा हूं, तो कंपनी के बारे में जनता में जाकर, मीडिया में जाकर अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूं कि भाई कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत प्रॉफिट होगा, ये वो। और लेटर ऑन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते वक्त पता चला कि मेरा जो ड्यूटी है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, अब मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन जारी करना है। अब वहां तो मैं खुद ही एडवोकेट कर रहा हूं, मैं खुद चिल्ला चिल्लाकर बोला हूं कि कंपनी का शेयर खरीदो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और अब मैं मॉडिफाइड ओपिनियन जारी करूंगा तो मुझे जूते पड़ेंगे। सो वहां पे क्या हो गया सर, एक एडवोकेसी थ्रेट अराइज हो गया।
या फिर मैं क्लाइंट का एडवोकेट हूं, क्लाइंट ने मुझे ही चूज करा है टू डिफेंड हिमसेल्फ इन सम काइंड ऑफ लिटिगेशन. सम लिटिगेशन इज गोइंग ऑन विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सम लिटिगेशन इज गोइंग ऑन विद द सेबी, सम लिटिगेशन इज गोइंग ऑन विद द आरबीआई, और मुझे ही चूज करा है कि आप ही क्या करोगे, हमें डिफेंड करोगे. अब जब मैं क्लाइंट को डिफेंड करूंगा तो मैं क्लाइंट का पक्ष लूंगा, मैं ये बोलूंगा वहां पे कि भाई क्लाइंट ने कुछ गलत नहीं करा है. तो इन द कैपेसिटी ऑफ ऑडिटर अगेन क्या हो सकता है सर, कि वहां पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ सकता है, वहां पे एक एडवोकेसी थ्रेट अराइज हो सकता है. और तीसरा एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है, लॉबिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लेट अस से हम ना इन्फोसिस के ऑडिटर्स हैं, हम इन्फोसिस के ऑडिटर्स हैं. अब गवर्नमेंट के वहां पे ना एक बिल पास होने वाला है, नया कानून पास होने वाला है. अब इन्फोसिस ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ग्रुप बनाया, आई एम वन ऑफ देम, हमें बहुत हाई रेमोनरेशन पे करा, बहुत हाई पैकेजेस पे करे, बहुत हाई फीस पे करा, और बोला कि देखो आप लोगों से तो एडवाइस लिया जाएगा लॉ बनाते वक्त, गवर्नमेंट आपसे एडवाइस लेगी लॉ बनाते वक्त, लॉ ड्राफ्ट करते वक्त, तो आप लोग मिलकर क्या करें सर, लॉ को इस तरीके से ट्विस्ट दें कि वो हमें फेवर करें, आईटी कंपनीज को फेवर करें. तो वो क्या हो गया, वी आर लॉबिंग ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, हम क्लाइंट के बिहाफ में लॉबी कर रहे हैं, ठीक है ना. तो क्लाइंट के बिहाफ पे लॉ को मूल्ड करके, ट्विस्ट करके हम पार्लियामेंट में पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर लॉबिंग ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट. तो वो हो गया लॉबिंग. तो यहां पे तीन एग्जांपल्स है एडवोकेसिंग थ्रेट के, या तो मैं प्रमोट कर रहा हूं शेयर्स इन क्लाइंट, या तो मैं एडवोकेट हूं क्लाइंट का, लिटिगेशन में प्रमोट कर रहा हूं, या मैं लॉबिंग कर रहा हूं. क्या कर रहा हूं सर, लॉबिंग कर रहा हूं. आप इसको याद रख सकते हो, PAL, पल, प्रमोटिंग एडवोकेटिंग लॉबिंग, प्रमोटिंग एडवोकेटिंग लॉबिंग, एडवोकेसी थ्रेट के एग्जाम्पल पल, PAL, प्रमोटिंग एडवोकेटिंग लॉबिंग. और CM सर्विस का एक ही एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए मैं वहां नौकरी करता हूं, अब क्लाइंट क्या कर रहा है, प्रोस्पेक्टस बना रहा है. प्रोस्पेक्टस को ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है यार, प्रोस्पेक्टस को ऑब्जेक्टिव भी यही होता है यार कि अल्टीमेटली टू इनवाइट द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. अब कंपनी ने मुझे बोला कि देखो हम तेरे को बहुत पैसे देंगे, बहुत पैसे देंगे, बहुत पैसे देंगे, तुम प्रोस्पेक्टस ऐसा बनाओ, प्रोस्पेक्टस ऐसा बनाओ कि लोग दिल भरकर इन्वेस्ट करें कंपनी में, कि इन्वेस्ट करना है तो इसी कंपनी में करना है, इस कंपनी के अलावा कहीं नहीं करना है. तो हमें हमारे क्लाइंट ने कहा, मतलब हमारे एम्प्लॉयर ने कहा कि आप इस तरीके से प्रोस्पेक्टस बनाएं कि भाई लोगों को लगे इन्वेस्ट करना है तो इसी कंपनी में करना है, इसके अलावा कहीं नहीं करना है, कंपनी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखें, प्रोस्पेक्टस को मैनिपुलेट करें, ठीक है. तो इन दैट सिचुएशन अगर मैं प्रोस्पेक्टस को मैनिपुलेट कर रहा हूं तो फिर से मैं क्लाइंट को एडवोकेट कर रहा हूं, तो क्या हो गया सर, एडवोकेसी थ्रेट. तो अगर मैं सर्विस में हूं, इफ आई एम अंडरटेकिंग प्रोफेशनल एक्टिविटी और मैं प्रोस्पेक्टस मैनिपुलेट कर रहा हूं, मुझे प्रोस्पेक्टस मैनिपुलेट करने के लिए बोला गया है, तो एडवोकेसी थ्रेट का एग्जाम्पल है. और अगर मैं प्रैक्टिस में हूं, तो अगर मैं पल कर रहा हूं, पल पल क्लाइंट के साथ समय बिता रहा हूं, पल कर रहा हूं, प्रमोट कर रहा हूं शेयर ऑफ द क्लाइंट, एडवोकेसी एंड लॉबिंग, तो ये तीन चीजें यहां पे आ गई. उसके बाद आता है फैमिलियरिटी थ्रेट, यानी दोस्ताना पार्ट 3. तो क्लोज रिलेशनशिप, कुछ क्लोज रिलेशनशिप है, राइट, वी हैव क्लोज रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, सो दोस्ताना पार्ट 3, कि भाई क्लाइंट के साथ अपना अच्छा दोस्ती आ रही है, तो मिलकर एक साथ में चाय समोसा खाते हैं, मिलके साथ में गॉसिपिंग करते हैं, साथ में मिलके बीवियों की चुगलियां करते हैं, सो ऑल दोस थिंग्स वी डू. तो बहुत क्लोज एसोसिएशन है, वी हैव सम वेरी क्लोज एसोसिएशन. तो इन दैट सिचुएशन फैमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो जाएगा, हमारे क्लोज फैमिली मेंबर कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, तो वहां फैमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो जाएगा. तो अगेन दो पार्ट में कैटेगराइज करके एग्जाम्पल्स देखने हैं. वाइल अंडरटेकिंग प्रोफेशनल सर्विस दैट इज इन प्रैक्टिस, तो बोला कि अगर हमारे क्लोज फैमिली मेंबर्स कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, DO मतलब डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स, हमारे क्लोज फैमिली मेंबर्स कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, तो फैमिलियरिटी थ्रेट अराइज होगा, ठीक है ना. तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, अरे और मेरी बीवी कंपनी की डायरेक्टर है, तो सोच के देखो कि मैं मॉडिफाइड ओपिनियन देने का सोच रहा हूं, और वहां पे मैं देख रहा हूं कि मेरी बीवी कंपनी की डायरेक्टर है, अगर कल को कंपनी के अगेंस्ट कुछ गलत इशू कर दिया तो मेरी बीवी जेल जाने वाली है, तो वहां पे क्या अराइज होगा, फैमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो जाएगा. तो क्लोज फैमिली मेंबर्स हमारे क्या है सर, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं. या फिर मान लीजिए हमारे CA फर्म के जो प्रीवियस एंगेजमेंट पार्टनर थे वो कंपनी के डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज हैं, तो जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है ना उनके साथ हमारा रिलेशनशिप बड़ा गहरा होता है, क्योंकि उस एंगेजमेंट पार्टनर के डायरेक्शन, रिव्यू एंड सुपरविजन में मैंने अपने ऑडिट एंगेजमेंट्स परफॉर्म करे हैं, हमने अपने ऑडिट एंगेजमेंट्स परफॉर्म करे हैं, उनके लिए इज्जत बहुत ज्यादा होती है और वो लोग बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं. तो अगर वो प्रीवियस एंगेजमेंट पार्टनर्स जो थे हमारे वो कंपनी के डायरेक्टर्स ऑफिसर्स हैं, तब भी बोला गया कि फैमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो जाएगा. या फिर तीसरी चीज लॉन्ग एसोसिएशन, कि हमारा लॉन्ग एसोसिएशन है क्लाइंट के साथ, 30-40 साल से ऑडिट चलते आ रहा है, अब ऐसा हो गया कि मतलब कि एक दूसरे का बहुत कंसर्न है, एक दूसरे की बहुत चिंता है, 40-50 साल से रिलेशन चल रहा है, 100 साल से रिलेशन चल रहा है, हमारी पुश्ते ऑडिट करती थी अब हम कर रहे हैं, लॉन्ग एसोसिएशन,
सो उसको बोलते हैं फैमिलियरिटी थ्रेट। उसी को हटाने के लिए तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट आया ना, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट। और इन सर्विस में एग्जाम्पल दिया है कि जो भी इमीडिएट फैमिली मेंबर है, मान लीजिए वो कुछ डिसीजन ले रहा है रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आर इमीडिएट फैमिली मेंबर इज मेकिंग सम इमीडिएट डिसीजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह कौन बना रहे हैं? हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स बना रहे हैं। हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल मेंबर्स बना रहे हैं, एस्टिमेट्स वगैरह वही लोग बना रहे हैं, तो हम उनके काम में उंगली कैसे उठाएं? या फिर हमारा लॉन्ग एसोसिएशन है विद द KMPs ऑफ द कंपनी, विद द की मैनेजर पर्सनल्स ऑफ द कंपनी, अपना लॉन्ग एसोसिएशन है कंपनी में उन लोगों के साथ जो बिजनेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो बिजनेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो उसको भी एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे फैमिलियरिटी थ्रेट का, कि अगर मैं जॉब में हूं, मैं नौकरी में हूं, और मेरे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं? सर डिसीजंस ले रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर, या अपना लॉन्ग एसोसिएशन है विद दोज पीपल हु आर इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस डिसीजंस, तो उसको भी फैमिलियरिटी थ्रेट के अंदर रखा गया है। तो आप देखोगे इन प्रैक्टिस चार तीन पॉइंट है यहाँ पे, क्लोज फैमिली मेंबर, प्रीवियस एंगेजमेंट पार्टनर वाज ए क्लोज फैमिली मेंबर, लॉन्ग एसोसिएशन, और यहाँ पे इन सर्विस में दो एग्जांपल, इमीडिएट फैमिली मेंबर, लॉन्ग एसोसिएशन। एंगेजमेंट पार्टनर वाला पॉइंट लॉजिकली आएगा नहीं क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं। और फाइनली आता है सर इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब क्या होता है सर? डराना धमकाना। इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब क्या होता है? डराना धमकाना। तुमको डराया जा रहा है, तुमको धमकाया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, किसी प्रकार का कॉशन एक्सरसाइज किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते थे बचपन में, कॉशन बिंग एक्सरसाइज, अनड्यू इन्फ्लुएंस बिंग एक्सरसाइज, तो किसी प्रकार का कॉशन तुम्हारे ऊपर एक्सरसाइज किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती की जा रही है, बंदूक रखा जा रहा है तुम्हारे ऊपर, अरे भाई मॉडिफाइड ओपिनियन जारी करो वरना गोली मार देंगे। मतलब खैर ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली, बट एग्जाम्पल ले रहा हूं, या अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया जा रहा है तुम्हारे ऊपर, तो इसलिए तुम ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है, तुमको तुम्हारे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया जा रहा है, तुमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अच्छा तो मॉडिफाइड रिपोर्ट जारी करेगा, तेरे को निकाल देंगे, डिसमिस कर देंगे, दूसरे CFM से बात हुआ है, उनको लेके आते हैं ऑन बोर्ड, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, रिप्लेस कर देंगे, तेरा फीस कम कर देंगे। ठीक है, क्या होता है वो? इंटिमिडेशन थ्रेट। मान लो तुमको लग रहा है एस्टिमेट का जो वैल्यूएशन है वो अलग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? जो एस्टिमेट्स जो क्लाइंट ने बनाया है ना, क्लाइंट ने जिन एक्सपर्ट्स की सर्विस यूज कर रहे हैं ना, उनकी औकात तुमसे बहुत ज्यादा है। जस्ट इमेजिन कि तुम एक मीडियम साइज CA फर्म हो और तुम जाके क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हो, और अल्टीमेटली क्लाइंट ने वहां पे ना Big 4 का एक्सपर्टाइज यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया हुआ है। तो जस्ट इमेजिन कि तुम बोल रहे हो कि सर अकाउंटिंग एस्टिमेट करेक्ट नहीं है, एस्टिमेट्स का वैल्यूएशन गलत है, और क्लाइंट का जो एक्सपर्टाइज है वो तुमसे बहुत ज्यादा है, क्लाइंट का जो औकात है वो तुमसे बहुत ज्यादा है, तो वो तुमको धमकाएगा, बोलेगा बेटा तुझे आता ही क्या है, तू नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है अभी, तुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, हमारे पास एक्सपर्ट टीम बैठी है, हमने इस वैल्यूएशन को किया है, हमने ये वैल्यूएशन निकाले हैं, तो बेटा तेरे खिलाफ केस फाइल कर देंगे कि तुझे कुछ नॉलेज वगैरह नहीं है। तो क्लाइंट का एक्सपर्टाइज बहुत ज्यादा है, उससे अपने को डर लग रहा है, उससे अपने को धमकाया जा रहा है, या आपको ना किसी तरीके का प्रमोशन का लालच दिया था। क्या प्रमोशन का लालच दिया था? प्रमोशन का लालच दिया था कि देखो भाई हम तुमको ना अगले साल फॉरेन ब्रांचेस का भी ऑर्डर दे देंगे, हम तुमको अगले साल ना अपना नया चेन खुल रहा है बिजनेस का उसका भी ऑर्डर दे देंगे, हम तुमको अगले साल टैक्स ऑडिटर्स भी बना देंगे, तुम्हारा रेमुनरेशन इंक्रीज कर देंगे। लेकिन अब बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है क्लाइंट? अच्छा बेटा मॉडिफाइड रिपोर्ट इश्यू करेगा, फॉरेन ब्रांचेस का ऑडिट भूल जाओ, टैक्स ऑडिट भूल जाओ, दूसरे कंपोनेंट्स का ऑडिट भूल जाओ, तो मैं डर जा रहा हूं कि अरे यार क्या सोचा था, जिंदगी क्या हो जाएगी, ब्रांच ऑडिट्स मिल जाएंगे, फॉरेन ब्रांचेस का ऑडिट्स हो जाएगा, उस बहाने विदेश भी घूम के आ जाएंगे, रेमुनरेशन ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन वो प्रमोशन तो होने नहीं वाला, तो वो हो गया इंटिमिडेशन थ्रेट। तो यहां पे ना इंटिमिडेशन थ्रेट का डेफिनेशन क्या दिया था, सबसे पहले तो देखना, डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ, डेटर्ड मतलब रोका जा रहा है फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ एक्चुअल या परसिव्ड प्रेशर या एक्सरसाइजिंग अंडर इन्फ्लुएंस। अब एग्जाम्पल्स के फॉर्म में क्या दिए हैं सर? अगर मैं CA प्रैक्टिस हूं, दैट इज वाई वाइल अंडरटेकिंग यू नो प्रोफेशनल सर्विस, तो डिसमिसल का थ्रेट, क्लाइंट का ज्यादा एक्सपर्टाइज का थ्रेट, ये बड़ा अजीब एग्जाम्पल है, एंड प्लैंड प्रमोशन नॉट टू ऑकर। अब ये वर्डिंग्स आप देखोगे, प्लैंड प्रमोशन तो लगेगा सर ये तो जॉब वाली कैटेगरी में एग्जाम्पल जाना चाहिए था, क्योंकि वर्डिंग तो वही है ना, जॉब में अपने को प्रमोशन मिलता है, लेकिन CA प्रैक्टिस में ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना? तो आपको लग सकता है कि सर जॉब वाले कैटेगरी में एग्जाम्पल देना चाहिए था प्रमोशन का, तो बट CA प्रैक्टिस में दिया है, और यहां प्रमोशन का मतलब है मोर असाइनमेंट, कि क्लाइंट ने बोला था तुमको ज्यादा असाइनमेंट देंगे, अब तुमको वो डरा रहा है, धमका रहा है कि बेटा और असाइनमेंट नहीं मिलेगा, मॉडिफाइड रिपोर्ट इश्यू कर दिया। तो और सर्विस के केस में एग्जाम्पल दो हो गए, कम हो गया, एक डिसमिसल या रिप्लेसमेंट, तेरे को हटा देंगे, किसी और को ले आएंगे, बहुत लोग हैं भाई लाइन में, और दूसरा इंडिविजुअल अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस,
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, कि इंडिविजुअल्स कोशिश कर रहे हैं आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करने का. आपको डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है, और कोशिश किया जा रहा है आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करने का. ऑल दो आई फील कि ये एग्जाम्पल यहाँ सुटेबल नहीं है. यहाँ एग्जाम्पल प्रमोशन का यहाँ भी देना चाहिए था, प्रमोशन वाला पॉइंट यहाँ भी आना चाहिए था. प्लान प्रमोशन नॉट टू ऑकर, मीनिंग चेंज हो जाता है ना यहाँ प्रमोशन का. यहाँ पे मतलब आपका जो डेजिग्नेशन है वो अपग्रेड, डेजिग्नेशन अपग्रेड करने की बात हो रही होती, मीनिंग चेंज हो जाता, बट वो फेज ज्यादा अप्रोप्रिएट था यहाँ पे. प्लान प्रमोशन नॉट टू ऑकर. तो सीएन प्रैक्टिस के केस में तीन थ्रेट्स, डिसमिसल, ज्यादा एक्सपर्टाइज का थ्रेट, क्लाइंट ज्यादा नॉलेजेबल है उसका भी थ्रेट है, एंड प्लान प्रमोशन नॉट टू ऑकर. और सीएन सर्विस में डिसमिसल या रिप्लेसमेंट का थ्रेट, एंड इंडिविजुअल्स अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स. तो भैया देखो मेरे साथ रिपीट करो, मुझे आवाज सुनाई देनी चाहिए तुम्हारी, यहां तक मुझे कानों में आवाज सुनाई देनी चाहिए. पहला कैटेगरी का थ्रेट क्या था? सर, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. बिल्कुल सही बात है. मतलब बताओ भाई मेरे साथ रिपीट करो, कम ऑन कम ऑन. क्या बोला? फाइनेंशियल इंटरेस्ट और अदर इंटरेस्ट. जो क्या कर रहा है सर, इन अप्रोप्रिएटली क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है. क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट के जजमेंट या बिहेवियर को. दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, व्हेन अंडरटेकिंग प्रोफेशनल सर्विस, व्हेन अंडरटेकिंग प्रोफेशनल एक्टिविटी. तो प्रोफेशनल सर्विस के कौन से एग्जांपल्स? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ज्यादा रेमुनरेशन, ज्यादा फीस मिल रहा है क्लाइंट से. दूसरा, कोटिंग लो फीस, उसको अपोजिट, क्योंकि नया नया असाइनमेंट चाहिए, डिफिकल्ट टू कंप्लाई विद टीपी. तीसरा, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप. चौथा, एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. एंड पांचवा, सिग्निफिकेंट एरर डिस्कवर्ड, जो कि मेरे पुराने फर्म मेंबर्स ने चेक किया था काम. एंड वाइल अंडरटेकिंग प्रोफेशनल एक्टिविटी, तो यहां पे सर चार पॉइंट आते हैं, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कंपेंसेशन अरेंजमेंट, एक्सेस टू कॉर्पोरेट एसेट एंड स्पेशल गिफ्ट. उसके बाद सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब क्या है सर? प्रीवियस जजमेंट्स या एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट हिमसेल्फ, एंड वी आर आस्क्ड टू इवैल्यूएट द सेम. तो सीएन प्रैक्टिस के केस में दो एग्जांपल दिया, इंटरनल कंट्रोल का, डाटा प्रिपरेशन का, एंड सीएन सर्विस में बिजनेस कॉम्बिनेशन का. एडवोकेसी थ्रेट मतलब प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्या कर रहा है सर यहाँ पे? प्रमोट कर रहा है क्लाइंट को या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन को, टू द पॉइंट कि ऑब्जेक्टिविटी माइट गेट कॉम्प्रोमाइज्ड. अगेन सीएन प्रैक्टिस के केस में तीन चीजें, पल पल पल, प्रमोटिंग, एडवोकेसिंग एंड लॉबिंग. और सीएन सर्विस केस में क्या था? आस्किंग टू मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन इन प्रोस्पेक्टस. एंड फैमिलिटी थ्रेट, दैट इज इन प्रैक्टिस के केस में तीन चीजें, क्लोज फैमिली मेंबर, डायरेक्टर और एम्प्लॉय, प्रीवियस एंगेजमेंट पार्टनर, डायरेक्टर और एम्प्लॉय, लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ द ऑडिट टीम मेंबर, हैविंग लॉन्ग एसोसिएशन. एंड सर्विस के केस में दो एग्जाम्पल, इमीडिएट फैमिली मेंबर मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लॉन्ग एसोसिएशन विद पीपल इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस डिसीजंस. एंड देन वी हैव इंटिमिडेशन थ्रेट, दैट इज डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ एक्चुअल ऑब्लिक परसिव्ड प्रेशर, एक्सरसाइजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस. प्रैक्टिस के केस में तीन एग्जाम्पल, डिसमिसल का थ्रेट, ज्यादा एक्सपर्टाइज का थ्रेट, प्लान प्रमोशन नॉट टू ऑकर. और सर्विस के केस में डिसमिसल या रिप्लेसमेंट कौन से ग्राउंड्स में होता है मेनली? कि हम लोग कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह में एग्री नहीं कर रहे, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के एप्लीकेशन वगैरह में एग्री नहीं कर रहे. एंड दूसरा, इंडिविजुअल्स अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट. तो ये सारे एग्जाम्पल सर आपको याद करने हैं. और फाइनली इस टॉपिक के अंदर लास्टली आता है आपका सेफगार्ड्स. और फाइनली आता है सर सेफगार्ड्स, कि क्या क्या सेफगार्ड्स अपन ले सकते हैं. ठीक है, तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं मॉड्यूल में, काफी अच्छे पॉइंट्स दिए हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स, व्हाट आर द सेफगार्ड्स दैट कैन बी टेकन, एंड यू हैव टू रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग. ठीक है, बहुत आसान है. अब देखो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के लिए ना उन लोगों ने दो सेफगार्ड्स दिए हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स है, मैंने एक साथ मर्ज किया नोट्स में, दो सेफगार्ड दिए. बोला सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कैसे कैसे हटाओगे? बोला तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट है ना, तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट है, तुम एक काम करो, सेल्फ इंटरेस्ट को हटाने के लिए क्या करो, एडिशनल लोग अपॉइंट करो, एडिशनल लोग अपॉइंट करो, एडिशनल टाइम दो, क्वालिफाइड पर्सनल लेकर आओ. क्या करो सर? क्वालिफाइड पर्सनल लेकर आओ. दैट इज वन ऑफ द वे कि आप एडिशनल टाइम दो, क्वालिफाइड पर्सनल लेकर आओ. तो अगर क्वालिफाइड लोग काम करेंगे, एडिशनल टाइम देंगे वो, तो क्वालिटी अच्छी निकल के आएगी. और दूसरी चीज, अगर सर ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में एक पॉइंट था कि एक्सेस टू मैटर्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर, तो उसके लिए ना सेपरेट टीम बैठा दो, कि सेपरेट टीम उन मैटर्स को डील करेगी जो कि कॉन्फिडेंशियल नेचर की है. तो वहां पे डिबेट ही खत्म हो गया ना, कि जो कॉन्फिडेंशियल नेचर के मुद्दे हैं वहां पे सेपरेट टीम डील करेगी, तो डिबेट ही खत्म. तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट का यहाँ पे दो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का यहाँ पे दो एग्जांपल दिया है. पहला तरीका है, पहला सेफगार्ड है, आप एडिशनल टाइम असाइन करो, क्वालिफाइड पर्सनल लेकर आओ. और दूसरा तरीका है कि अगर मामले कॉन्फिडेंशियल नेचर के हो तो सेपरेट टीम ऑल टुगेदर लेके आ जाओ.
दूसरा सेल्फ रिव्यू थ्रेट कि भाई अपना काम हम खुद ही रिव्यू कर रहे हैं, तो उसका तरीका क्या है, अपना काम हम खुद रिव्यू करेंगे ही नहीं, हम एक रिव्यूअर को लेकर आएंगे और वो रिव्यूअर हमारे टीम मेंबर में से कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर हम रिव्यूअर को लेकर आएंगे और वो भी हमारे टीम मेंबर में से ही कोई होगा तो फिर से सर इंडिपेंडेंस की दिक्कत होगी। तो हम एक रिव्यूअर को लेकर आएंगे जो कि हमारे टीम मेंबर में से कोई नहीं होगा। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट का पॉइंट बहुत आसान है, एक रिव्यूअर को लेकर आएंगे जो हमारे टीम मेंबर में से कोई नहीं होगा, वो रिव्यू करेगा। अब सर तीसरा और चौथा केस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथ तीन थ्रेड्स हट सकते हैं सर, एक साथ तीन थ्रेड, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फैमिलरिटी। सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी हट सकता है, एडवोकेसी भी हट सकता है, फैमिलरिटी भी हट सकते हैं, तीन तीन थ्रेड एक साथ हट सकते हैं। ऐसा आप क्या कर लोगे सर अपने फर्म के अंदर कि तीन तीन थ्रेड्स एक साथ हट जाएंगे? तो आप एक काम करो, एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सेपरेट पार्टनर्स असाइन कर लो, सेपरेट एंगेजमेंट टीम बना लो। तो सेपरेट पार्टनर्स, सेपरेट एंगेजमेंट टीम, सेपरेट पार्टनर्स एंड एंगेजमेंट टीम फॉर एश्योरेंस एंड फॉर नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। एश्योरेंस सर्विसेज देने के लिए अलग पार्टनर्स होंगे, अलग एंगेजमेंट टीम होंगे, और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज देने के लिए अलग पार्टनर्स होंगे, अलग एंगेजमेंट टीम होगी। ठीक है, तो वहां पर सर सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी हट जाएगा, एडवोकेसी थ्रेड भी हट जाएगा, क्योंकि पार्टिकुलरली अपना रिव्यू थ्रेड था, अपना एडवोकेसी था, अपना फैमिलियरिटी था, बट जो नई टीम आई है उनका तो नहीं है। तो सेपरेट पार्टनर्स एंड सेपरेट एंगेजमेंट टीम, सेपरेट पार्टनर्स एंड सेपरेट एंगेजमेंट टीम बना लीजिए, एश्योरेंस सर्विसेज के लिए, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज के लिए। और जहां भी सेल्फ रिव्यू थ्रेड है, जहां भी एडवोकेसी थ्रेड है, जहां भी फैमिलियरिटी थ्रेड है, वहां सेपरेट पार्टनर्स और सेपरेट एंगेजमेंट टीम्स को असाइन कर दीजिए। उसके अलावा एश्योरेंस एंड नॉन एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी हमेशा सेपरेट पार्टनर्स और सेपरेट एंगेजमेंट टीम रखिए, तो वहां डिबेट ही नहीं आएगा, कोई डिस्प्यूट ही नहीं आएगा। और फाइनली सर एक ऐसा तरीका है कि जिससे सारे के सारे पांचों के पांचों थ्रेड्स एक साथ हट सकते हैं। आपने काम ही आउटसोर्स कर दिया दूसरे फर्म को, कि जहां अपने को लग रहा है कि सारे थ्रेड्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो अपन ने क्या कर दिया सर, किसी दूसरे फर्म को हायर कर लिया, किसी दूसरे फर्म को ही काम आउटसोर्स कर दिया कि आप ही कर लो। तो अगर दूसरे फर्म को ही वहां पे हमने लगा दिया तो भैया सारा थ्रेड ही हट गया ना, फर्म ही चेंज हो गई। सेपरेटिंग पार्टनर्स एंड एंगेजमेंट टीम तो स्टिल इट वॉज जस्ट ए पॉइंट, इट वॉज जस्ट ए पार्ट। Having an appropriate reviewer, not a member of the team, was just a part. But एक दूसरे फर्म को ही इन्वॉल्व कर लिया सर, तो पांच के पांच थ्रेड्स ही हट गए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेफगार्ड्स क्या क्या हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड को हटाने के लिए दो सेफगार्ड हैं सर, एडिशनल टीम ले आइए, क्वालिफाइड पर्सनल लेकर आ जाइए, कॉन्फिडेंशियल नेचर के मामले हैं तो सेपरेट टीम्स अपॉइंट कर लीजिए। दूसरा सर सेल्फ रिव्यू थ्रेड इनको हटाने के लिए हैविंग अप्रोप्रिएट रिव्यूअर नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ द टीम। तीन थ्रेड्स एक साथ हट जाएंगे, सेल्फ थ्रेड एक साथ हट जाएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, एडवोकेसी थ्रेड, फैमिलिटी थ्रेड, सेपरेट पार्टनर्स एंड एंगेजमेंट टीम, एंड पांचों थ्रेड एक साथ हट जाएंगे सर, दूसरे फर्म को ले आइए। ठीक है, तो ये हो गए अपने सेफगार्ड्स। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, वी हैव ट्राइड टू मेक इट सिंपल, वी हैव ट्राइड टू मेक इट इजी फॉर यू। अब आप देखोगे कि आप जब बुक रीड करोगे तो आपको लगेगा सर इतना ईजी है, इतना आसान है। ठीक है, और ये एरिया मैंने जानबूझ के पहले लिया है, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जो 90% लोग इग्नोर करते हैं, 90% लोग समझते हैं यार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये वो, लास्ट में लास्ट के लिए रखते हैं। और आईसीए की फितरत अब क्या हो गई है कि जो अपन लास्ट के लिए सोच रहे हैं वो आईसीए पहले एग्जाम में पूछता है, तो सो दैट इज वाई वी हैव कवर्ड दिस फर्स्ट, प्लस मॉड्यूल में भी आपका इनिशियल पार्ट में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप एक काम करिए सर, पूरा का पूरा नोट कर लीजिए, एक बार मेरे साथ पढ़ोगे, एक बार सुनोगे, एक बार साथ में रिपीट करोगे, फिर साथ में नोट डाउन करोगे, फिर मैं आपको रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स प्रोवाइड करूंगा, उन ऑडियो क्लिप्स को रेगुलर बेसिस में सुनोगे, तो वो कॉन्सेप्ट अपने आप आपको याद हो जाएंगे, आपको उसके लिए अलग से कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। सो प्लीज नोट इट डाउन।